चलिए गाइस, तो अभी ना स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये जो टॉपिक है ना, अपने दो पार्ट्स पड़े हैं इस चैप्टर के। ओके, एक है कि सी टू सी क्या होता है, सी टू सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट टू द कंपनी और वो अपने को क्यों चाहिए, वो वाला पार्ट आ जाएगा। दूसरा कि ओवर टाइम का क्या करना है। ओके, तो वहां पे एक मिनिमम वेजेस एक्ट करके कुछ आता है, तो फैक्ट्रीज एक्ट करके कुछ आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले सुनो अभी ना ये वाला चीज, तुम लोग ध्यान से सुनना, तुमको समझ में आएगा। देखो, वन ऑफ द रीजंस फॉर विच कॉस्टिंग इज फॉलोड इज दैट वी वुड लाइक टू बी फाइंडिंग आउट कि पूरी कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ओके, वी लाइक टू बी फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, सपोज लाइक यू नो एक कंपनी है जो ड्रेसेस बनाती है। ओके, कस्टमर आएंगे उनके पास, ठीक है, दे विल से कि हमको ऐसा ड्रेस वगैरह चाहिए, ये वो, और हम लोग उसके हिसाब से, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ड्रेस वगैरह बना देंगे। Such companies are popularly called as job costing companies. मेरे को फिर से बोलो, such companies are called as job costing companies. Job costing company मतलब हम लोग कोई standard product वो नहीं बनाते, ठीक है। एक customer आता है, वो बोलता है मेरे को ऐसा काम करवाने का है, तुम कर सकते हो, मैं बोलता हूँ हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हर एक unit अलग होगा, यहाँ पे हर एक काम अलग होगा, दो customer लोगों को same type of कपड़े वगैरह वो नहीं चाहिए, ठीक है। बट ऑब्वियसली वन ऑफ द reasons वी ऑल फॉलो कॉस्टिंग कि यार हम लोग कुछ भी काम करें हम लोग उसका कॉस्ट निकाल पाए, हम लोग उसका कॉस्ट निकाल पाए, ठीक है। तो अभी कोई एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचो, कोई एक कस्टमर आया, ठीक है, वो बोलता है कि ना मेरे को जॉब एक्स तुम लोगों से करवाने का है। मैंने बोला ठीक है, बोलता जॉब एक्स के अंदर ना मेरे को ये वाले प्रोडक्ट का 20 यूनिट्स बनाकर देना। मैंने बोला ठीक है साहब, वो बनाकर वो दे देंगे, ठीक है। बोलता ठीक है, वो चला गया। उसके बाद अभी मेरे को ये वाला 20 यूनिट्स बनवाने का है, उसके लिए मटेरियल चाहिए, वो लेबर चाहिए। इन दिस चैप्टर आई टॉक ऑफ लेबर कॉस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने वर्कर लोगों को बोल दिया एक यूनिट बनाओगे ना तुमको 5 रुपया देगा, मतलब 20 यूनिट बनाने के लिए तुमको 100 दे देगा। तो जॉब एक्स के लिए लेबर कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीज का हो रहा है, 100। दिस इज वन थिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, एक और कस्टमर आया, बोलता है मेरे को ना जॉब वाई बनवाने का है। मैंने बोला ठीक है साहब, बना के देगा। अभी जॉब वाई के ना बहुत ज्यादा काम था, वहां पे ना एक बहुत बड़ा सा कुछ यूनिट वगैरह वो बनाने का था, ठीक है। तो मेरे को लगा उसके लिए ना वर्कर लोग तकरीबन 35 आवर्स लेंगे टू बी मेकिंग दैट एंटायर थिंग, और मेरे वर्कर लोगों के साथ आई हैड प्रॉमिस्ड कि जो भी हो जाए आई विल पे यू ₹10 पर आवर, ठीक है। तो ये जो 350 रुपीज है, ये सारा का सारा जो खर्चा है किस जॉब की वजह से हो रहा है, जॉब वाई। अब जॉब वाई को चार्ज कर दोगे, चार्ज मतलब जॉब वाई का जब भी कॉस्ट सोचोगे तो उसके लिए लेबर कॉस्ट कितने रुपीज का, एक मिनट, 100 पर यूनिट वो नहीं था, ये 100 टोटल था, ठीक। जब जॉब वाई का टोटल कॉस्ट अपने दिमाग में आएगा तो कितने रुपीज का आ जाएगा, 350। ओके, तो जॉब एक्स का भी कॉस्ट मिल गया, वाई का भी। देखो, कभी भी पीस रेट सिस्टम होता है, कभी भी आर्ली सिस्टम होता है ना, आपको जॉब का खर्चा निकालने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर पीस रेट सिस्टम है तो देख लो जॉब के अंदर कितना यूनिट्स बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। अगर सपोज टाइम बेसिस सिस्टम है तो देख लो जॉब के लिए कितना आवर्स लग रहा है, नंबर ऑफ आवर्स इंटू रेट पर आवर, ठीक है। लेकिन अब इमेजिन जरा करो, अभी तक अपने सारे के सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे सर, या टाइम बेसिस सिस्टम या पीस रेट सिस्टम। मैंने जब भी चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये दो ही सिस्टम सिखाए, तुमको कोई थर्ड सिस्टम तो नहीं सिखाया मैंने। इनफैक्ट मैंने तुमको पीस रेट सिस्टम के अंदर दो बाइफरकेशंस भी सिखाया था, इधर कंपनीज कैन फॉलो, बोलो, एसपीआर एंड डीपीआर, या एसपीआर या डीपीआर, या स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। दीज आर द टू ऑप्शन दैट आर देयर। ओके, तो ये वाले दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन अब ना लेट्स लुक एट अ थर्ड कैटेगरी ऑफ पेमेंट, और तुमको समझ में आएगा आजकल की दुनिया के अंदर ये भी बहुत कॉमन ही होगा। सर ये वाला सिस्टम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज वर्कर्स विच आर पेड ऑन फिक्स्ड बेसिस। फिक्स्ड बेसिस मतलब एक वर्कर अपनी फैक्ट्री ज्वाइन हुआ, वो बोलता है साहब पगार कितना देगा, मैंने बोला इतना रेट पर आर, बोलता नहीं काम करेगा सर। मैंने बोला इतना रेट पर यूनिट, बोलता सर नहीं काम करेगा। मैंने बोला तो देखो क्या चाहिए,
बोलता साहब मेरे को ना आप 20,000 रुपए का पगार दो पूरे मंथ का, ठीक है, ओवर टाइम हुआ तो आप एक्स्ट्रा मेरे को दे सकते हो, लेकिन मेरे को 20,000 रुपए तो आपसे चाहिए, ठीक है। दीज आर वर्कर्स विच आर पेड ऑन विच बेसिस, फिक्स्ड बेसिस, दीज आर वर्कर्स दैट आर पेड ऑन फिक्स्ड बेसिस, ठीक है। प्रॉब्लम है, सपोज अगर मैं वर्कर को 20,000 रुपया दे रहा हूं, ठीक है, अभी 20,000 रुपया मैं बंदे को तो दे रहा हूं, वो बंदा बहुत सारे काम करता रहेगा, ओके, वो वाला बंदा सपोज जॉब ए के ऊपर भी काम कर रहा है, जॉब बी के ऊपर भी काम कर रहा है, जॉब सी के ऊपर भी काम कर रहा है, ठीक है। मेरे को तो हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग निकालना है, अगर मेरे को हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग निकालना है तो आप जरा सोचो, मेरे को 20,000 रुपीज का डिविजन तो चाहिए। तुम लोग मेरे को एक चीज जरा बोलना, तुमको एक चीज समझ में आया कि ऐसा प्रॉब्लम कभी यहां पर नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जो वर्कर है ना वो एक्सक्लूसिवली जॉब के लिए काम कर रहा है और उसको जॉब के लिए पेमेंट मिल रहा है, लेकिन यहां पर ना वर्कर को हम लोग फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं फॉर द एंटायर मंथ और फॉर द एंटायर वीक, एंड इज वर्किंग फॉर वेरियस जॉब्स, ओके। इफ इज वर्किंग फॉर वेरियस जॉब्स देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल रिक्वायर यार कि ये सर 20,000 रुपए का बाइफर्केशन तो करो, क्योंकि जब तक बाइफर्केशन नहीं करेंगे तब तक अपने को हर जॉब का कॉस्ट अलग से नहीं मिलेगा। तुमको ये चीज समझा, व्हाई हैव वी रीच्ड ओवर हियर, बिकॉज दिस प्रॉब्लम वाज नेवर देयर इन अ पीस रेट सिस्टम, दिस टॉपिक आई कुड नॉट हैव टॉट ओनली इन अ पीस रेट सिस्टम और इन दिस केस इन केस ऑफ अ टाइम बेसिस सिस्टम, लेकिन यहां पर तो ये वाला टॉपिक आ सकता है। सबसे पहले ये 20,000 क्या होता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सी टू सी, सी टू सी बोले तो कॉस्ट टू द कंपनी। एग्जाम्पल, आई बिकेम सी एट द एज ऑफ 20 and a half, आई थिंक, ओके, मैंने बिकेम सी ए, तो मेरे को ICICI वालों ने बुलाया, ओके, फॉर इंटरव्यू। सो एट दैट टाइम लाइक यू नो देर यूज टू बी अ थिंग दैट ऑल द रैंकर्स ऑफ इंडिया दे आर कॉल्ड बाई 3 or 4 कंपनी, सो वी ऑल गो ओवर देयर टुगेदर, एक HUL था, एक ICICI था, तो ICICI ने मेरे को बुलाया, मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, दे ऑल रिक्रूटेड मी, ओके, आई लेफ्ट इन 3 days वाला कहानी है, ओके, लेकिन दे ऑल रिक्रूटेड मी। जब उन लोगों ने मेरे को रिक्रूट किया ना, तो उन लोगों ने मेरे को एक लेटर दिया, उस लेटर के अंदर ये था, अनुज योर सी टू सी विल बी 15 lakh रुपीज, ठीक है, दिस इज वॉट एवर दोज गाइड हैड ऑफर्ड टू मी इन 2002। वो बड़ी बात थी मेरे लिए, ओके, लाइक फ्रॉम अ स्टाइपेंड जो उस वक्त 500 रुपए का होता था, तो 15 lakh रुपए वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, ओके। मैं पापा के पास गया तो पापा को बोला देखो मेरे को ये लेटर भी मिल गई, ओके, माई डैड वॉज ऑल्सो इन बैंक, ओके, सो ही वॉज इन बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने डैड को बोला डैड मेरे को 15 lakh रुपए का पेमेंट मिलेगा, ओके। डैड बोलता कि तू लेटर तो दिखा, तो लेटर दिखाया है, बोलता अनुज ये पगार नहीं है ये तेरा सी टू सी है। सी टू सी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट टू द कंपनी का मतलब क्या होता है, ICICI तो तेरे को रखने वाला है, तेरी वजह से टोटली कितना खर्चा होने वाला है ICICI को, That thing is going to be called as cost to the company. इतना पगार तू घर नहीं लेकर आएगा कभी भी, ओके, देखो 15 lakh रुपया एक साल के लिए नहीं मिलने वाला है, ओके, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, तो ICICI हैड ऑफिस इन BKC एंड स्टिल दे ऑल हैव द ऑफिस एट BKC, सो BKC इज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो लोग मुंबई से वो नहीं है, इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस, तो वहां पे वो लोग ना जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको रोज फ्री का खाना देते हैं, इस 15 lakh रुपए के अंदर वो भी इंक्लूडेड होता है। फिर इन दिस केस वो लोग एक बस सर्विस वो रखते हैं विच टेक्स यू फ्रॉम योर होम टू दैट ऑफिस। ये वाला भी जो चीज है, दीज आर पॉपुलरली कॉल्ड एज परक्यूजिट्स, कभी नाम सुना है ऐसा परक्यूजिट्स? सो दीज आर कॉल्ड एज पर्क्स और समथिंग लाइक यू नो इन अ कॉर्पोरेट लैंग्वेज, इन शॉर्ट फॉर्म दीज आर कॉल्ड एज पर्क्स, ओके। तो 15 lakh के अंदर सब इंक्लूडेड होता है। सो लेट मी नाउ ट्राई टू कम टू कि सी टू सी का मतलब क्या होता है। तो पहले ना यू शुड बी नोइंग कि सी टू सी क्या होता है, हाउ टू बी कंप्यूटिंग सी टू सी, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, मैं अभी कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक वर्कर को हम लोगों ने बोला कि ना हम लोग तेरे को बेसिक वेजेस जो है ना, बेसिक वेजेस, हम बेसिक वेजेस पूरे मंथ का 10,000 रुपया देगा। बोलता ठीक है सर, लेकिन ना याद रखना, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन, बेसिक वेजेस के साथ एक और चीज भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस, ओके। डियरनेस अलाउंस इज महंगाई होती रहती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग,
तो कंपनीज क्या कर देता है, वो लोग ना बेसिक वेजेस बार बार बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसका और लीगल इंप्लीकेशंस भी होता है, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस वर्ड मतलब थिंग्स आर बिकमिंग कॉस्टली, मतलब डियरर। ओके, तो हम लोगों ने वर्कर को बोला, देख तेरे को बेसिक वेजेस 10,000 का देगा। बोलता साहब ठीक है, बोला देख महंगाई बहुत ज्यादा है, तेरे को डियरनेस अलाउंस देगा 5,000 रुपए का। बोलता साहब ठीक है। मैंने बोला तेरे घर से तू ऑफिस आएगा, हम लोग तेरे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस और देगा, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये 2,000 रुपए का होएगा, तेरा जितना भी खर्चा वो तेरा प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग तेरे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 रुपए का देगा। बोलता ठीक है सर। मैंने बोला सुन, तू जब ही आएगा ना, ओके, मैंने वर्कर को बोला जब ही तू आएगा तेरे को हम लोग नाश्ता देगा, चाय पानी वो चिवड़ा वगैरह देगा। ओके, वो बोलते सर ठीक है, अभी वो चीज का खर्चा कंपनी को 1,000 rupees पर वर्कर वो लगता है, दीज आर कॉल्ड एज परक्यूजिट्स, दीज आर कॉल्ड एज परक्यूजिट्स। ठीक है, तो इन दिस केस लाइक यू नो कि कंपनी को टोटल फटका वर्कर की वजह से कितने रुपीस का वो लग रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट 18,000। ठीक है, दिस 18,000 इज पॉपुलरली कॉल्ड एज सी टू सी। सी टू सी का मतलब मैं अगर कोई बेकार लैंग्वेज के अंदर बोलने का ट्राई करूं तो कंपनी तेरे को पाल रहा है। ओके, तेरे को पालने की वजह से कंपनी का टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स विल बी कमिंग ओवर हियर, इट विल इंक्लूड योर बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, ऑल अदर अलाउंसेस और परक्यूसेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ओके, तो कंपनी का तेरी वजह से 18,000 रुपए का खर्चा, इज दिस ओके एटलीस्ट, यहां तक सब कुछ ठीक है? अभी एक नेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज ना तुमको टैक्स के अंदर भी काम में आएगा, जब भी टैक्स तुम्हारा स्टार्ट होगा तुम्हारा टैक्स का प्रोफेसर भी तेरे को बोलेगा। इंडिया के अंदर एक रूल है कि जब भी एक वर्कर परमानेंट वर्कर हो जाता है ना, उसका एक पीएफ का अकाउंट खोला जाता है, तो पीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो हर वर्कर का जो परमानेंट हो जाता है ना, एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला जाता है इंडिया के अंदर, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ठीक है, लेकिन दिस नेम इज स्लाइटली मिसलीडिंग। ठीक है, एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड मतलब ये वाला जो अकाउंट है एम्प्लॉई का होगा, ठीक है, वो पक्की बात है, लेकिन इसके अंदर पैसा दो लोग डालते हैं, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। There is Provident Fund Act also that tells you कि employer को कितना पैसा डालना पड़ेगा। I am not trying to go into that act or something. It is not relevant for this particular chapter. ठीक है, लेकिन suppose वो वाला जो act है वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि 10% of basic wages, okay, जितना भी basic wages है worker का उसका 10% has to be contributed by the employer towards the provident fund account of the employee. तुमको ये language समझा? So apart from paying this, okay, employer को क्या करना पड़ेगा? Employee का एक provident fund account वो खोलना पड़ेगा in a nationalized bank. Okay, now some other banks have also been given that kind of a permission, but mostly it happens in a nationalized bank. So once a provident fund account is opened, हर एक पीरियड के अंदर, सपोज अभी ये वाला डेटा अगर एक मंथ का था, ठीक है, तो इन दिस केस यहां पर इसका 10% बेसिक वेजेस का 10%, वैसे वो 8.33% है इन रियल लाइफ, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। ओके, तो सपोज वो वाला जो रेट है वो 10% है, सो 10% ऑफ बेसिक वेजेस मतलब कितना रुपया? 1,000 रुपया। सो देयरफॉर 1,000 रुपया जो है, इतना मेरे को बोलो कौन किसके अकाउंट के अंदर डाल देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के अकाउंट के अंदर वो डाल देगा, एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर। ठीक है, और जो एम्प्लॉई है ना, ये वाला पैसा इकट्ठा होता रहता है, अगर उसने कभी अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज किया, ये वाला अकाउंट भी शिफ्ट हो जाता है टू द न्यू एम्प्लॉयर। ओके, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही कैन विड्रॉ दैट मनी। और इंडिया के ना बहुत सारे और रूल्स हैं कि अगर सपोज लाइक यू नो वो 15 साल हो गए, देन ऑल्सो यू कैन ट्राई टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम देयर, यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट दिस ऑल्सो, बट ऑल दोस थिंग्स आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। तो ये जो मैंने 1,000 रुपए ऐड किया, मेरे को जरा बोलो ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? बोलो 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 बोलो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो अब जरा सोचो, मतलब टोटली एम्प्लॉई की वजह से एम्प्लॉयर को खर्चा कितने रुपीज का हो रहा है?
19,000 10,000 rupees तो उसको कैश दिया, 5,000 rupees तो उसको कैश दिया, 2,000 rupees तो कैश दिया, 1,000 rupees का वो चाय नाश्ता वो चिवड़ा वगैरह तो वो खा गया. अपार्ट फ्रॉम दैट जो 1,000 rupees है उसके अकाउंट के अंदर तो चला ही गया, कभी ना कभी वो एम्प्लॉई को तो मिल ही जाएगा. सो इफ समबडी एवर आस्क मी सर व्हाट इज सी टू सी, आई विल बी सेइंग सी टू सी विल बी 19,000. एक और चीज, जैसे इंडिया के अंदर प्रोविडेंट फंड का रूल्स है ना, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन्स, देयर इज वन अदर थिंग ऑल्सो दैट इज कॉल्ड ESI. किसको मालूम है ESI का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस. ओके, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, दैट इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो ये वाला स्कीम होता है, दैट इज गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो अगर स्टेट का अपना कोई ऐसा स्कीम है, दैट इज कॉल्ड ESI. जैसा रूल्स प्रोविडेंट फंड का होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही रूल्स ESI के अंदर भी होता है. ठीक है, तो यहां पर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा टुवर्ड्स अ प्रोविडेंट फंड, प्लस यहां पे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ESI भी आ जाएगा. सपोज वो वाला भी जो चीज है 1,000 rupees ही है, तो यहां पे जो सी टू सी है ना, कितने रुपीज का आ जाएगा? 20,000. ठीक है, अभी बराबर से सुनना, ये हो गया एक चीज. ठीक है, बराबर से सुनना मेरा नेक्स्ट वाला पार्ट, एंड दिस इफ यू ऑल विल नो नो विल हेल्प यू इन रियल लाइफ अलॉट. ओके, अभी जरा सोचो, पगार का दिन आ गया. ठीक है, अभी पगार का दिन आ गया, पगार का दिन आ गया, लास्ट डे ऑफ द मंथ, वर्कर को पगार देने का है. ओके, मेरे को जरा बोलो, एक वर्कर को हम लोग कितना कैश पैसा देगा इसके अंदर से वर्कआउट, कि उसको कैश पैसा कितना देगा? 10,000. एक 10,000 देंगे, कुछ और भी बोलो, एक डियरनेस अलाउंस भी देंगे उसको, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देंगे उसको, वी आर गोना बी पेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स. ये तो वो खा गया. ओके, ये तो उसके अकाउंट के अंदर वो चला गया, मतलब जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो तो रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा. तो इन अदर वर्ड्स, वर्कर घर कितना पैसा लेके जाएगा? 17,000. इज 17,000 ओके? लेकिन वो इतना पैसा घर नहीं लेके जाएगा. क्यों? क्योंकि ना इंडिया के अंदर एक और रूल बना, इंडियन गवर्नमेंट नो डजंट ट्रस्ट द वर्कर क्लास. ओके, उनको लगता है जिस दिन वर्कर को पगार मिलेगा वो लोग किधर जाएगा, वो लोग पैसा वो उड़ा देगा. यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? ओके, तो इफ यू ऑल अंडरस्टैंड मतलब यू आर मच्योर्ड नाउ. तो सुनो मेरी बात, अभी इन दैट पर्टिकुलर केस ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है? ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलता है, ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, इसके अंदर दो लोगों को पैसा डालना है. कौन से दो? एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय. Obviously, employee को कितने रुपीज का पगार मिला है? 17,000. ठीक है, उसके अंदर से उसको 1,000 rupees अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर डालना है. ये कंपल्सरी होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड्स अ प्रोविडेंट फंड, अनलेस एंड अंटिल देयर इज समथिंग एल्स मेंशन इन द प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन ना अभी नेक्स्ट लाइन बराबर से सुनना, इट इज द ड्यूटी इन इंडिया विच इज कास्टेड अपॉन द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई एंड पे द बैलेंस सैलरी टू द वर्कर एंड डिपॉजिट एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इन द प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉई. तुमको समझा जो मैं बोला? जब भी 17,000 rupees वर्कर को देने का दिन आएगा ना, तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? देख, मेरे को देखो 17,000 rupees वो देने का है, लेकिन उसके अंदर से ना मैं कुछ ऐसा करूंगा, अगर मैं तेरे पीएफ और ईएसआई के अंदर 1,000 rupees डाल रहा हूं, गवर्नमेंट ने मेरे को बोला है कि, आगे बोलो तुम लोग, कि तेरे को भी 1,000 rupees वो डालना पड़ेगा टुवर्ड्स योर ओन प्रोविडेंट फंड एंड योर ओन ईएसआई, लेकिन तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता. ओके, सो देयरफॉर गवर्नमेंट ने मेरे को बोला है कि जो तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी मैं ही डिडक्ट कर लूं तेरी सैलरी के अंदर से और मैं तेरे को बाकी पगार दे दूं. ओके, मतलब वर्कर कितना पैसा घर लेके जाएगा वो बोलो? 15,000. और तुमको ये चीज समझ में आएगा, एम्प्लॉयर ये वाला पैसा जो अभी मैं येलो के अंदर वो हाईलाइट, सॉरी मैं येलो के अंदर वो हाईलाइट कर रहा हूं, ओके, प्लस ये वाला पैसा, ओके, जो पहले वाला मैंने शेड किया वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? एम्प्लॉयर का, और जो सेकेंड वाला था एम्प्लॉय का था बट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर. ये समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, ये वाला 2000 और ये वाला 2000 क्लब होके इट विल बिकम 4,000 rupees. उसके अंदर से 2,000 rupees एम्प्लॉयर जमा करवा देगा इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई. ओके, और 2,000 rupees वो ESI की स्कीम के अंदर चला जाएगा. इज दिस ऑल ओके? अभी ये सारी
अभी ये सारी की सारी स्कीम के अंदर व्हाट आई एम कंसर्न्ड इज ओनली सी टू सी, कितना पैसा लेबर घर लेके जाता है आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन सी टू सी ओनली, ठीक है। ऑल्दो मैंने ये वाला भी चीज के लिए नोट तो दिया है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सी टू सी, ठीक है। व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन सी टू सी, अब जरा ध्यान से सुनना। कोई एक वर्कर था, ठीक है, उसका नाम ना हम लोग चलो शाहरुख रखता है, ठीक है। तो कोई एक वर्कर था तो उसका नाम वो शाहरुख है, ठीक है। अभी शाहरुख का हम लोग ना लेबर अकाउंट खोल रहा है, ठीक है, ही इज अ वर्कर विद अस, ओके, एकदम थर्ड क्लास वर्कर, ओके। तो उसका जो सी टू सी है ना, उसका जो सी टू सी है वो 20,000 रुपए का है, ठीक है। तो लेबर अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पे आ जाएगा 20,000 रुपीज, दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू बी पेइंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अब जरा सोचो, ये शाहरुख कंपनी के अंदर पूरे महीने काम भी तो करता है। सपोज ये वाला जो बंदा है ना, इस पूरे मंथ के अंदर चार जॉब्स के ऊपर काम किया, चार जॉब्स बोले तो, सपोज एक था जॉब पी, एक था क्यू, एक था आर, एक था एस, ओके। मेरे को एक ही काम करना है, मेरे को ना हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो जरा सोचो, अगर हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग निकालना है तो तुमको ये वाला लेबर कॉस्ट डिवाइड तो करना पड़ेगा। एक मिनट, सब लोग मेरे को रिप्लाई करना, ये वाला प्रॉब्लम तुमको जिंदगी में टाइम बेसिस सिस्टम और पीस रेट सिस्टम के अंदर नहीं आता था। मेरे को बोलो तभी क्यों नहीं आता था? जितना हम लोग वर्कर को पे करेगा, वर्कर एक जॉब के लिए काम कर रहा है, हम लोग उस जॉब का पेमेंट निकाल के वर्कर को दे देगा, तो वो जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो उसी जॉब के लिए लग रहा है, ओके। सो इन दैट केस इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सपोज लाइक यू नो, इफ आई विल गिव यू अ बेयर एग्जांपल जस्ट लाइक दैट, वी हैव अराउंड 40 फैकल्टीज, ओके, इन इंटर, इन फाउंडेशन एंड इन सी ए फाइनल, एंड फॉर द ACCA courses, जो UK का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, ओके, वी हैव अराउंड 40 फैकल्टीज, ठीक है। कई फैकल्टीज वो होती हैं जिनको मैं रेट पर आर देता हूं, ठीक है, आई पे देम रेट पर आर, ओके। इफ आई पे देम रेट पर आर, नो, मेरे को कोई भी बैच का कॉस्ट निकालने के लिए दिक्कत नहीं आता, ओके। मेरे को बोलो क्यों दिक्कत नहीं आता? मैं सपोज कोई एक फैकल्टी है मिस्टर ए, उसने तुम्हारे बैच को पढ़ाया फॉर 100 आवर्स, आई पे हिम से एक्स रुपीस पर आवर, तो 100x इतना मैं उसको पे कर रहा हूं, और ये सारा का सारा अमाउंट, आगे सेंटेंस कंप्लीट करो, तुम्हारे बैच को चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे केसेस के अंदर आता है, क्योंकि मेरे पास एक और फैकल्टी भी है, वो बोलता है सर मेरे को ना आप एक कॉन्ट्रैक्ट देने का, ओके। मैं बोला वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट? बोलता आप मेरे को साल का ना 30 लाख रुपए दो सर, आप जो बोलोगे मैं वो वाला काम करेगा सर, लेकिन 30 लाख रुपया फिक्स देने का सर मेरे को। अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 लाख रुपया मैंने उसको दिया, अभी वो बंदा फाउंडेशन भी सिखाता है, इंटर भी सिखाता है, और फाइनल भी सिखाता है, और ACCA भी सिखाता है, ओके। तो मेरे को वो 30 लाख रुपया बाइफरकेट तो करना पड़ेगा, ओके। वही मेरा आज का एजेंडा है टू स्टार्ट ऑफ विद, कि अगर एक वर्कर को आप लोग ऐसे पे कर रहे हो और वो बंदा चार जॉब्स के ऊपर काम कर रहा है, तो यार फिर मैं उसका बाइफरकेशन कैसे करूं? यू ऑल हैव अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव? यस सर। ठीक है, सुन, अभी तुम्हारा ये वाला जो मैंने नोट्स वो लिखा हुआ है ना, ये वाला चीज एक बार मैं पढ़ रहा हूं, टिल वेयर आई हैव रीच, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज सी टू सी? इट इज द टोटल दैट द कंपनी बेयर्स बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉइज, इट इंक्लूड्स द बेसिक पे, ऑल अलाउंसेस, ऑल परक्यूजिट्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड ESI लिखना होगा तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो दिस विल बी द टोटल अमाउंट, ठीक है, और कुछ भी खर्चा है ना, कुछ भी खर्चा है, ओके, कुछ भी खर्चा है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन पुट ओवर हियर, ठीक है, जो एम्प्लॉई की वजह से लग रहा है। हाउ मच मनी डज द एम्प्लॉई टेक होम? दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर सिलेबस, बट आई टोल्ड यू, आई हैव रिटन द नोट ऑन दैट ऑल्सो। देखो, ऑल कैश सैलरी एंड अलाउंसेस, जो भी उसको पैसा कैश के अंदर वो देने का है, प्लीज उसके अंदर ना ये वाले परक्यूजिट्स वगैरह मत इंक्लूड करना। मेरे को बोलो क्यों? कंपनी का कैंटीन
वो उतने का तो वो खाना खा ही गया ना यार. ओके ही हैज ईटन तो दैट मच अमाउंट ऑफ फूड. नो अभी तो यू ऑल हैव अंडरस्टूड. आगे लेस एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ एंड ईएसआई. आई एम आस्किंग टू एवरीबडी यू ऑल टेल मी. तुमको समझा यहां पर एम्प्लॉयर आता है और यहां पर एम्प्लॉई आता है? ठीक है चलो. सो टिल हियर वी ऑल आर सॉर्टेड आउट. ठीक है अभी इसके बाद की कहानी ध्यान से रहा सुनना. मेरे को ना ये 20,000 रुपीज का डिविजन चाहिए इन टू द वेरियस जॉब. ठीक है अभी हाउ टू डिवाइड देर कुड बी एंड डिफरेंट मेथड्स. ओके देर कुड बी एंड एवरी कंपनी माइट हैव देयर ओन मेथड्स यार. ओके आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड्स जो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछ सकते हैं. एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अलावा वो लोग और कुछ पूछ ही नहीं सकते क्योंकि मॉड्यूल के अंदर इसके अलावा की इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं है. ओके फर्स्ट ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज अ जॉब कार्ड मेथड. ओके जॉब कार्ड मेथड. ये जॉब कार्ड्स ना तुम लोगों ने शायद बहुत बार देखे भी होंगे. अगर सपोज तुम्हारे पास बाइक है ओके कभी सर्विसिंग के लिए वो लेकर वो जाते हो. ओके अगर कभी भी लाइक यू नो कोई भी बाइक आप कोई सर्विस सेंटर के अंदर वो लेके जाओगे तो आपको जो भी बाइक के अंदर काम करवाना है ना उसका एक अलग से जॉब कार्ड बनता है. ओके जहां पे वो लोग वो लिखते हैं कि आपकी बाइक के अंदर क्या क्या चीजें चेंज करना है सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है नाउ दिस मेथड इज बिट सिमिलर टू दैट जॉब कार्ड. देखो अभी ये वाला जो वर्कर था ना शाहरुख ओके इसको सी टू सी कितने रुपीज का देते थे? 20,000. ठीक है जब भी अपना मंथ स्टार्ट होएगा ना हम लोग एक रेट निकालेगा. दैट रेट इज कॉल्ड एज लेबर आर रेट. इट इज कॉल्ड एज लेबर आर रेट. ये वाला लेबर आर रेट कैसे मिलता है? इट इज कैलकुलेटेड एज सी टू सी डिवाइडेड बाय बराबर से सुना मैं क्या बोलता हूं नंबर ऑफ आवर्स दैट अ वर्कर इज सपोज टू वर्क ओके excluding NIT. This word is very important for me. Excluding normal idle time. I am not trying to do first part of your chapter. ये system ही अलग है. ठीक है क्योंकि वो वाला जो था that was your piece rate system या time based system. यहां पे it is fixed system. ठीक है तो labor hour rate इधर compute होता है. वो कैसे compute होता है? It is calculated on the first day. That is calculated on the first day. और वो कैसे कंप्यूट होता है? सी टू सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एक्सक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम. तो एक मिनट शाहरुख का सी टू सी कितने रुपीज का था? 20,000. ठीक है फिर हम लोगों ने कंप्यूट किया यार शाहरुख एक महीने के अंदर उस बंदे को कितने घंटे काम करना चाहिए. ओके तो हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा लाइक यू नो दिन का फैक्ट्री 8 आवर्स खुलता है उसके से 2 आवर्स का लंच ब्रेक होता है प्लस अपने को लगता है कि हाफ एन आवर मशीन्स खराब हो ही जाएगा तो दिन का 5.5 घंटे का काम होगा इनटू से 20 डेज वगैरह. तो ये सब कुछ एक मंथ की बात थी लेकिन मंथ के ना छुट्टी वगैरह भी तो होएगा ना तो मेरे को लगता है दिल बी से 20 तो वर्किंग डेज. ठीक है बराबर से सुनना जरा. तो 5.5 आवर्स पर डे 5.5 आवर्स वो कैसे आया? 8 hours worker was coming to the factory and you reduce the times lost. Okay, मतलब जो भी वो normal वाले time है सब चीजें वो subtract कर दो. ठीक है तो 5.5 into 20 days. ठीक है तो ये वाला जो worker है 110 घंटे इस पूरे month के अंदर factory आना चाहिए. ठीक है तो मैंने फिर क्या किया 20,000 divided by 110 किया और एक ना imaginary rate निकाल लिया 181.82. ठीक है सुन वर्कर को इस रेट से कुछ लेना देना नहीं है. मेरे को बोलो वर्कर को जब ये अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा वहां पे सी टू सी कितने रुपीज का लिखा होगा? 20,000. उसको तो 20,000 रुपया से मतलब है. ठीक है ऑल्दो जो वो घर लेके जाएगा वो उससे कम होएगा दैट यू ऑल नो. ठीक है तो हम लोगों ने अपनी अकाउंटिंग के लिए ताकि हम लोग ना हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग निकाल सकें. ठीक है हम लोगों ने एक ऐसे ही ड्रीमी रेट निकाल लिया. दैट ड्रीमी रेट इज कॉल्ड एज लेबर आर रेट 181.12. ठीक है दिस रेट इज कैलकुलेटेड बिफोर यू स्टार्ट विद द जॉब. ठीक है बिफोर द मंथ स्टार्ट्स ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड इन एडवांस ओनली. तो यहां पे दो चीजों की जरूरत है एक सी टू सी की जरूरत है और दूसरा नंबर ऑफ आवर्स अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एक्सक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम. आप लोग फर्स्ट डे सोच लेना कि सी टू सी कितना होगा. फर्स्ट डे सोच लेना कि वर्कर इस पूरे महीने के अंदर कितने घंटे काम करना चाहिए. मैंने दोनों को डिवाइड किया आंसर ये आ गया 181.82. ठीक है उसके बाद ना मैं वर्कर को बुलाएगा उसको बोलेगा तू इधर आ. बोलता साहब क्या हुआ? मैंने बोला ये ले कार्ड. बोलता सर ये कौन सा कार्ड है? मैंने बोला इसको जॉब कार्ड बोलते हैं. सर इसका क्या करने का है अपने को?
इसका क्या करने का है? मैंने बोला सुन, तू जिधर भी काम करने के लिए जाएगा फैक्ट्री के अंदर, ये वाला जॉब कार्ड अपने पास रखने का। जिस जॉब के ऊपर काम करेगा ना, वहां का एक सुपरवाइजर होगा, उससे ये जॉब कार्ड भरवाते रहने का कि तूने कितने घंटे क्या क्या जॉब के ऊपर काम किया। बोलता साहब मेरे को समझ में आ गया। जॉब कार्ड के अंदर यूजुअली डेट का एक कॉलम होगा, जॉब नेम या जॉब कोड का एक कॉलम होगा, टाइम इन का एक कॉलम होगा, टाइम आउट का एक कॉलम होगा, और यहां पर एक टोटल भी होगा, ठीक है, या फिर इन दिस केस टोटल मतलब नेट टोटल, ठीक है। अभी सुनो जरा, ये वाला रेट हम लोगों ने फर्स्ट डे निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो वर्कर था ना, ओके, बोलता है साहब मैं काम स्टार्ट करूं। मैंने बोला तू काम स्टार्ट कर, आज ना मंथ का पहला दिन था, फर्स्ट, ठीक है। उसने ना यहां पर जॉब पी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया सुबह 10 o'clock पे, 10 AM उस बंदे ने काम किया, 12 PM तक इस जॉब के ऊपर रहा वो, ठीक है। तो मतलब उसका दिन का कितने घंटे का काम वो हो गया बेटा, 2 hours का, ठीक। जैसे ही जॉब पी खत्म हुआ, उसको इंस्ट्रक्शन मिला अभी जॉब क्यू के ऊपर काम करो, जॉब क्यू के ऊपर चला गया। उसको ना जॉब क्यू के ऊपर पूरा का पूरा दिन काम करने का था, ठीक है, पूरा मतलब शाम को 6 बजे तक, ठीक। वो 12 बजे काम करना स्टार्ट किया, 2 बजे तक काम किया, उसको 6 बजे तक काम वो करने का था, लेकिन ना 2 बजे जो था तब लंच ब्रेक की घंटी बज गई, ओके। तो उस बंदे ने जैसे ही घंटी बजी वो जॉब छोड़ेगा, ऑल्दो वो वापस इसी जॉब के ऊपर आएगा, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल वो जॉब वो छोड़ ही रहा है, सो देयरफॉर टाइम आउट विल गेट रिकॉर्डेड, ठीक है, टाइम आउट विल गेट रिकॉर्डेड। उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस ये डेट वन को, ये डेट वन ही था, ओके, फिर से वो जॉब क्यू के ऊपर लगा, ठीक है। उसके बाद वो बंदा 4 PM पर फिर से काम करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, 4 to 5 उस बंदे ने काम किया, ओके, तो 1 hour यहां पे और रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद ना मशीन्स गॉट ओवरहीटेड अलॉट, ओके, 5 o'clock उसको इंस्ट्रक्शन मिला आधे घंटे तक मशीन को बंद रखो, तो उस बंदे ने आधे घंटे के लिए मशीन को बंद रखा। तो जब मशीन बंद हो जाएगा, ओके, टाइम आउट विल गेट रिकॉर्डेड, क्योंकि वो तब कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से जॉब क्यू के ऊपर कितने बजे स्टार्ट हो गया, 5:30, 6 बजे तक काम वो कर रहा था, फिर घंटी बज गई, वो घर चला गया। सो देयरफॉर दिन का यहां पर कितने आवर्स का काम और हो गया, 2 hours, 2 hours, 1 hour and half an hour, ठीक है, 5.5 hours का काम वो हो गया। ये बंदा जिधर भी जाएगा ना, जिधर भी जाएगा जॉब कार्ड्स अपने भरवाता रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, पूरा महीना जो था खत्म हो गया। अभी बराबर से सुनना, मेरे को आंसर देने का ट्राई करना, सुनो मेरे को जरा बोलो, अगर सब कुछ वही हुआ जो अपने को लगता था कि होना चाहिए, सोच के बोलना मेरे को बोलना कि इस लास्ट कॉलम का टोटल कितने आवर्स का आना चाहिए, 110 hours का आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, बराबर से सुनना अभी, ओके, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर, सो आई कैन ट्राई टू टेल यू। मैंने ना ये वाला डेटा एक्सेल के अंदर डाला, और मैंने उसको फिल्टर किया जॉब वाइज। तुमको ये लैंग्वेज समझ में आता है? मैंने उसको फिल्टर किया जॉब वाइज, ताकि मेरे को पता चल जाए कि पूरे मंथ के अंदर जॉब पी के ऊपर कितने घंटे काम हुआ, क्यू के ऊपर कितने घंटे काम हुआ, आर के ऊपर कितने घंटे काम हुआ, एस के ऊपर वो कितने घंटे काम हुआ, ठीक है। मैंने जब ही वो वाला काम किया ना, बराबर से सुनना प्लीज, इसका टोटल 110 होना तो चाहिए था, पता चला 50 घंटे इधर काम किया, ठीक है। मतलब पूरे मंथ का 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी पी के लिए आर्स थे ना, मैंने वो टोटल किए, पता चला 50 इधर, उसके बाद 30 इधर, उसके बाद 20 इधर, और उसके बाद ना 6 घंटे इधर, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, जॉब पी को, बराबर से सुनो सब लोग, ओके, जॉब पी को मैं कितने रुपीस का लेबर कॉस्ट चार्ज कर दूंगा, जॉब पी के ऊपर कितने आवर्स का काम हुआ, तो सब लोग बोलो 50, और मेरा जो लेबर आर रेट है वो कितना है, 181.12, ठीक है, सॉरी 0.82, चलो वो जो भी है, और एस का भी 181.12 मेरे को। लेकिन जरा बोलो, तुम लोगों ने मेरे को क्या बोला था, इसका टोटल कितना होना चाहिए, 110। कोई बोलता है सर फिर 4 घंटे किधर चला गया, 1 second, नाउ 4 घंटे जरा सोचो ना, दिस 110 ऑलरेडी एक्सक्लूड्स नॉर्मल आइडल टाइम, तो अभी नॉर्मल आइडल टाइम तो काउंट ही नहीं होएगा, ओके। तो अगर आर्स उससे भी कम हो गए, मतलब रिमेनिंग आर्स मस्ट बी, तुम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग दिया वो किया हुआ है, कुछ बोलो, रिमेनिंग 4 hours मस्ट बी,
वो एबनॉर्मल एलर्ट टाइम, सपोज बीच में कभी ऐसा हुआ मशीन ज्यादा आवर्स के लिए तो वो खराब हो गई, बीच में ऐसा हुआ वर्कर को किसी ने काम ही नहीं अलॉट किया, वो बंदा बस ऐसे ही बैठा रहा, ओके तो ये जो 4 आवर्स है ना, दिस विल बी एबनॉर्मल आइडल टाइम। और अभी अपना प्रोसेस कॉस्टिंग याद करके मेरे को बोल सकते हो, एबनॉर्मल लॉसेस आर ऑलवेज इन एंड ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अभी यहां पे कोई स्क्रैप वगैरह का भी कोई सिचुएशन नहीं हो सकता बेटा, वर्कर ने टाइम वेस्ट किया उसका क्या स्क्रैप वैल्यू होगा यार, ओके सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विल गेट ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज विच पर्टिकुलर मेथड, दिस इज कॉल्ड एज जॉब कार्ड मेथड, ओके। Is this understood for everybody? Yes, sir. Okay, मैं एक लाइन के अंदर मैं खत्म करता हूं और मैं लंबा लाइन बोल रहा हूं, ठीक है, तो बराबर से सुनना जरा, ओके। अंडर जॉब कार्ड मेथड, ओके, वी कंप्यूटर रेट कॉल्ड एज लेबर आवर रेट, ओके। अंडर दिस पर्टिकुलर रेट वी कैलकुलेट दिस रेट बाय सी टू सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एक्सक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। फिर एक रेट कंप्यूट होगा, वर्कर जिधर भी जाएगा जॉब कार्ड वो लेकर जाएगा, ओके। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ जॉब कार्ड्स आर समराइज जॉब वाइज, जॉब कार्ड्स आर समराइज जॉब वाइज, ठीक है। एंड एवरी जॉब इज डेबिटेड विद द नंबर ऑफ आवर्स इनटू द लेबर आवर रेट। एनी अनअकाउंटेड टाइम, लैंग्वेज समझना, एनी अनअकाउंटेड टाइम इज रेफर्ड टू एज एबनॉर्मल एल टाइम विच इन एंड विल गेट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। Is this all clear? तो हम लोग ऐसा 4 क्वेश्चन अभी वो करने वाले हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लेबर आर रेट ही कंप्यूट करने का है और 1 क्वेश्चन के अंदर अपने को ये वाला सारा का सारा काम करने का है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, एक बार तुमको ये वाला चीज मैं बोल देता हूं। इसके अंदर 2 मेथड वो होते हैं, I've taught you the first method, second method वो थोड़ी देर के बाद पढ़ो। How to treat workers paid on fixed basis, क्या हुआ बेटा? इट इज 5.5 into 20 days, ओके। वर्कर माइट नॉट कम टू द फैक्ट्री फॉर ऑल द डेज ना बेटा, शायद 2 दिन सैटरडे संडे फैक्ट्री बंद होता हो, सो 20 वॉज नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ओके। In a certain month, that I am saying that factory is expected to open for 20 days. So obviously, in the denominator, I will be writing number of hours that a worker is expected to work. That will depend upon factory कितने days खुलेगा. That's okay? Okay. ठीक है, चलो आगे. Job card method या labor hour rate method. इसके अंदर labor hour rate निकालो, C to C divided by number of hours a worker is expected to work, excluding normal hour time. Workers are given job cards. Which the workers have to carry and get it filled. This job card will record time out or time in and time out. At the end of the period, the job cards are summarized job wise. Each job card is debited with the amount equal to, ye dekhna, number of hours spent on the job into labor hour rate. Any unaccounted hours is treated as abnormal idle time and is debited to costing profit and loss account. Hum log bas aisa hi abhi 4 question kar rahe hai aur kuch nahi, theek hai? क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 29, 30, 31, दीज आर ऑल ऑन जॉब कार्ड मेथड या लेबर आर रेट मेथड, ठीक है, पढ़िए जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स इज एन एम्प्लॉई ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग एम्यूलमेंट्स, मतलब पेमेंट्स यार एंड बेनिफिट्स। बेसिक पे 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ, बोनस 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, ठीक है। Other allowances 2500 per month. Employer's contribution to PF 10% of salary and DA. ठीक है। X works for 2400 hours per annum. Out of which 400 hours are non-productive and treated as normal idle time. चलो ठीक है। You are required to compute effective hourly cost of employee X. तो let us start to be doing it. Effective hourly cost मतलब labor hour rate ही होता है। तो यहाँ पे लिख लेना। लेबर आर रेट, ओके। तो अपनी नोटबुक्स के अंदर आओ और लिखो जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आर रेट / इफेक्टिव आर्ली रेट।
चलो सुन, देखो यहां पर ना जो मेरे को आर्स दिया हुआ है ना, एक साल का दिया हुआ है, तो एक चीज मैं तुमको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से बोलता हूं, अपना पिछला चैप्टर ही था, याद तो होएगा ही होएगा कि ना हर चीज सेम पीरियड के लिए करो। यहां पे आर्स आपको एक साल का दिया हुआ है, तो मैं हर चीज ना अभी एक साल का ही कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले इधर लिखिए बेसिक पे, तो जो बेसिक पे है इट इज 10,000 पर मंथ बेटा, इंटू 12 कर देता हूं, 1,20,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, प्रथम आई एम नॉट वेरी श्योर सो लेट्स जस्ट वेट, इट इज 2,000 पर मंथ, तो मेरे को तो हर चीज एक साल के लिए चाहिए 24,000। एक चीज ना मेरी बात मानना, हमेशा ना बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का टोटल एक बार कर लेना, वो आगे जाके भी तुमको बहुत काम में आएगा। ठीक है, आगे बोनस इज 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो चलो ठीक है, तो यहां पे लिखो एड बोनस 20% ऑफ बेसिक पे एंड डीए करो, और यहां पे लिखो 28,800। ठीक है, आगे अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस यहां पर कितने रुपीस का है, 2,500। तो 30,000। ठीक है, आगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। ठीक है, तो एक मिनट मेरे को जरा याद करो, यहां पे वैसे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है कि एम्प्लॉई का आता है? एम्प्लॉयर का आता है, तो यहां पे वही लिखना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स, क्या लिखा है, पी एफ, इट इज 10% ऑफ सैलरी एंड डीए टोटल मारो जरा, टू वन सेवन टू हंड्रेड, ये हो जाएगा सी टू सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन अ ईयर, क्योंकि सारा डेटा ईयर का ही है, एक्सक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम। चलो ये चीज तुम लोग मेरे को डायरेक्टली ही बता दो, मेरे को बोलो एक वर्कर एक साल के ना कितने घंटे काम करेगा, 2000, क्योंकि 2400 घंटे के ना से 400 आवर्स विल बी नॉर्मल आइडल टाइम, नो वन जीरो एट पॉइंट सिक्स, दिस इज लेबर आवर रेट। चलो सुनो, ये वाला तुम्हारा काम वो हो गया। ठीक है, सुनो, तुम्हारे पास अभी दिस इज माइट बी द इजिएस्ट आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑन लेबर आर रेट, कैलसी के ऊपर आंसर निकाल लेना, मेरे को बता देना, उसके बाद वी विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, 3 मिनट दे रहा हूं, दैट्स मोर देन इनफ टाइम, कैलसी के ऊपर ही आंसर निकालो तुम लोग, पिछले वाले से तो बहुत सिंपल है। वही चाय नाश्ता चिवड़ा वो सब कुछ, छोटा छोटा बेनिफिट्स।
सब लोग का आंसर करेक्ट है एक्सेप्ट. बेटा पूरे साल का डेटा वो निकालो. हाँ सब लोग विदुषी रॉन्ग है, कृष करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, प्रीतिका गलत है, आयुष करेक्ट है, महक गलत है, दर्शना रॉन्ग है, महक शर्मा करेक्ट है, प्रथम गलत है. मेरे हिसाब से तो पूरा साल का डेटा निकालो, इट विल बी बेटर. महेश करेक्ट है. वो ये वो अगर वो होगा तो वो सब कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर आ जाएगा. सो एनी कॉस्ट दैट द कंपनी इज बेयरिंग बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर, सॉरी बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉई, सो ऑल दोस थिंग्स विल कम. कुछ भी कुछ भी कुछ भी. मोस्टली स्किल्ड वर्कर्स के लिए कंपनीज वो जो ESI वो होता है ना, इन रियलिटी वो वाली स्कीम क्यों होती है, जो ESI वाली स्कीम होती है कि एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉई का इंश्योरेंस लेकर वो रखता है कि अगर सपोज एम्प्लॉई को कुछ हो गया काम करते करते तो द कॉम्पनसेशन विल बी कमिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. ओके एंड दैट इंश्योरेंस कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके तो वो सब चीज़ें वो उसके अंदर वो आ जाता है वो ESI स्कीम्स के अंदर. चलो सुन आंसर 7.5 आना चाहिए. ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. यू विल गिव द सेम टाइटल, तो सेम टाइटल दो, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आर रेट. तो चलो लेट्स कंप्यूट एवरीथिंग फॉर वन ईयर, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ डेज पूरे साल का ही दिया हुआ है. तो बेसिक पे 1000 into 12 DA 300 into 12 3600 15600 fringe benefits $100 per month into 12 1200. यहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह वो ESI वगैरह तो कुछ भी नहीं दिया हुआ. सो देयरफॉर दिस फिगर इज 16800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क excluding normalized time. अच्छा साल के अंदर फैक्ट्री opens फॉर कितना डेज 300, लेकिन उसके अंदर से 20 डेज तो वर्कर फैक्ट्री आता ही नहीं, तो 20 निकाल देता हूं. आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ एन आंसर. मेरे को बोलो ये जो 20 सब्ट्रैक्ट किया ये 20 क्या है? नॉर्मल नहीं सर, ये कुछ भी नहीं है. ठीक है बोलो सर इसको कुछ ना कुछ तो बोलो. ये कुछ भी नहीं है बेटा. ओके नॉर्मल आइडल टाइम बाय इट्स डेफिनेशन इज इट इज अ टाइम व्हेन द वर्कर्स आर प्रेजेंट इन द फैक्ट्री बट ही इज नॉट वर्किंग एंड मैनेजमेंट नोज दिस फैक्ट इन एडवांस. इस क्वेश्चन के ना नॉर्मल आइडल टाइम है ही नहीं. अगर ऐसा होता ना कि ध्यान से सुनना, अज्यूम अ डे ऑफ 8 hours एंड आउट ऑफ 8 hours 30 minutes इन दिस केस इज लंच ब्रेक, तो फिर मैं 30 मिनट्स पर डे और सब्ट्रैक्ट कर देता. वो जो 30 मिनट्स होता वो क्या होता? वो नॉर्मल आइडल टाइम होता. ओके लेकिन 20 डेज अ डे कैन नॉट बी अ नॉर्मल आइडल टाइम हो यार. ओके सो देयरफॉर 300 minus 20 इतने डेज वर्कर फैक्ट्री आएगा. एवरी डे ही विल बी वर्किंग फॉर कितना आवर्स यार? 8 hours. तो ये कितना आता है? 2240 16800 divided by 2240 7.5 this is labor hour rate. अगर ऐसा दिया होता ना 30 minutes will be your lunch break every day, तो फिर मैं यहां पे 8 से multiply नहीं करता. आगे कुछ बोलो.
7.5 से मल्टीप्लाई वो कर देता, वो 30 मिनट्स नॉर्मल एल टाइम होता इस क्वेश्चन के ना। मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग नॉर्मल एल टाइम, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल एल टाइम करके कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी यू ऑल हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ टू क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 कैलसी के ऊपर ट्राई करो तुम लोग, ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। 10% ही रहेगा ना उसका टोटल डीआरएस ऑफ। हाँ बेटा, आप इसकी बात कर रहे हो कि ऊपर वाले की बात कर रहे हो? हाँ, वर्कर्स, हाँ इट इज 10%, मतलब 10% ऑफ योर बेसिक वेजेस एंड डीए, दैट इज बाय डिफॉल्ट वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट ओनली। वो एक अजम्पशन आल्सो वी विल बी राइटिंग, वरना इन रियल लाइफ आल्सो वो वैसे ही होता है। क्या बेटा? ESI प्रीमियम इज 6.5% ऑफ विच 1.75 इज पेड बाय द एम्प्लॉई। तो तुम लोग सोच लो तुमको किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए। क्रिश, मेरे को आंसर नहीं मालूम, आई विल चेक इट अप, आई विल सॉल्व राइट नाउ, आई डोंट नो। मेरे को वो लिख के वो करना पड़ेगा, वो कैलसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रहा है। अपना आंसर बता दो, ऑल दो आई डोंट नो द आंसर। ठीक है, वी विल जस्ट वेरीफाई इन सम टाइम। एक मिनट और देता हूँ, अपना आंसर जो है वो पोस्ट कर दो, देन विल सी कि किसका करेक्ट है। डिनोमिनेटर बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर के लिए आई थिंक दे आर मेनी थिंग्स विल हैव टू बी राइटिंग। प्लीज सारा डेटा एक साल का निकालो। साक्षी, दोनों आएगा, वो मैंने हिंट के तौर पर भी लिखा हुआ है। तो अनलेस एंड अनटिल टोल्ड डीए इज पार्ट ऑफ योर वेजेस ओनली। ठीक है, चलो यू हैव पोस्टेड योर आंसर्स, आई थिंक नाउ विल स्टार्ट टू सॉल्व इट ऑल्सो। ठीक है, तो पढ़ेंगे जरा प्लीज। अ वर्कर इज पेड 10,000 रुपीज पर मंथ डे ऑफ 2,000, तो विल बिकम 12,000 रुपीज पर मंथ। वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इज 10%। 10% अगर नहीं दिया हुआ कि किसका, ऑलवेज टेक इट एज सम परसेंटेज ऑफ बेसिक पे प्लस द डियरनेस अलाउंस। ठीक है, एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉय। चलो ठीक है, द ESI प्रीमियम इज 6.5% ऑफ वेजेस एंड सॉरी ऑफ विच 1.75 इज पेड बाय द एम्प्लॉय। मेरे को जरा बोलो, अपने को एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए कि एम्प्लॉई का? एम्प्लॉयर का। तो मेरे ख्याल से 4.75 जो आएगा वो आ जाएगा एम्प्लॉयर का। इट इज फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस ईच ईयर। ओके, जो दिवाली बोनस वगैरह कुछ वैसे होता है। आगे, the number of working days are 300 days of 8 hours each. Out of these, workers are entitled to 15 days leave on full pay. Calculate the wage rate per hour for costing purposes. तो चलो ठीक है, वो लोग costing purposes के बदले में accounting purposes भी लिख सकते थे, अपना जो answer है था वो same ही रहता। You all write down calculation of labor hour rate. For costing or accounting purposes. So, basic wages 10,000 into 12. उसके बाद प्लस डियरनेस अलाउंस
2000 into 12. एक बार हमेशा इसका टोटल मार लिया करो, 1,44,000. आगे एड, मैं यहां पे बोनस पहले ऐड कर देता हूं, दैट विल बी बेटर. देखो बोनस, इट इज फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months wages as bonus each year. 2 months wages, wages word for all purposes, no, includes basic wages plus dearness allowance. ठीक है, every time. तो 1,44,000 is for 1 year into 2 by 12. 24,000 plus. अभी एक ही बार टाइटल दे रहा हूं, एड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीएफ. मेरे को बोलो ये वाला अमाउंट जो है तो वो कितना आएगा बेटा? 14,400. इट बी 10% ऑफ दिस, नो, सो 10% ऑफ 1,44,000. और यहां पर एक ESI भी आ जाएगा. सो 6.5 माइनस 1.75 ऑफ 1,44,000. 6,840 नहीं आता, 6,840. 6,840 बेटा. मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर. टोटल कर लेना सी टू सी डिवाइडेड बाय, लिखो वही वाला स्टेटमेंट, नंबर ऑफ आवर्स अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एक्सक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम. हाँ, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 15 दिन की छुट्टी होती है तो 285 डेज आएगा. दिन का 8 आवर्स आएगा, ये कितना आता है? 2,280. ठीक, तो लेबर आर रेट ये कितने का आ जाता है बेटा? 83. सर, अगर वर्कर ने 15 डेज में उसे कोई एक दिन काम किया तो फिर वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा? हाँ बेटा, ही विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट. ओके, यहाँ पे ना तो यूजुअली अंडर अ चैप्टर ऑफ लेबर देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन. ओके, बिकॉज ही विल बी क्लेमिंग दैट ओवर टाइम देन. ओके, क्योंकि ही इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज. सपोज आउट ऑफ दैट 15 डेज 1 डे ही वर्क्स एक्स्ट्रा. ओके, तो एक दिन वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसके लिए हम लोग उसको एक्स्ट्रा वो पेमेंट भी देगा. तो कंपनी के लिए एक्चुअली वो एबनॉर्मल गेन नहीं होगा बिकॉज कंपनी विल हैव टू बी पेइंग. सपोज मेरा एक स्टाफ है, मैं उसको पगार देता हूँ एंड ही सपोज टू बी कमिंग टू द क्लास ओनली फॉर 20 डेज. ओके, इफ ही कम्स फॉर 21 डेज, नो, फॉर दैट 1 डे आई हैव टू पे हिम एक्स्ट्रा. तो वो एबनॉर्मल गेन नहीं होता. एबनॉर्मल गेन कब होएगा? व्हेन योर कॉस्ट रिमेन सेम बट यू गेट एक्स्ट्रा आउटपुट. यहाँ पे यू विल नॉट गेट एवर एक्स्ट्रा आउटपुट बिकॉज इफ वर्कर विल कम फॉर मोर आवर्स यू विल हैव टू पे हिम मोर ऑल्सो. देखो समझा? हाँ, तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी कभी. दैट थिंग कैन बी कमिंग इन प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन वो वाला सिचुएशन कभी इन केसेस के अंदर तो नहीं आ सकता. ओके, सो दैट थिंग इज नेवर एवर पॉसिबल. ओके, बट वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा इंस्टीट्यूट के दिमाग में कभी भी नहीं आया. ठीक है, सो दैट इज गुड क्वेश्चन. चलो सुनो मेरी बात, अभी क्या करने का है? क्वेश्चन नंबर 32 ना आई विल बी सॉल्विंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करेगा पूरा का पूरा. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ना तुम लोग मेरे को लेबर आर रेट निकाल कर दे देना, आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं. क्योंकि यहां पे ना वो सब कुछ आएगा जो मैं तुम लोग को एग्जांपल वो दे रहा था, ऐसा अकाउंट बना के पहले. ओके,
ये जो तुम लोगों को मैं अकाउंट बना के वो दिखा रहा था वो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। तो एक बार पढ़ देता हूं, कुछ यहां पे हिंट्स में अंडरलाइन भी करूंगा ताकि यू ऑल कैन ट्राई। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक एंड 8 hours ईच डे, अ वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 rupees पर डे प्लस डीए एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक। ओके, ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर शिफ्ट फॉर मील्स एंड 10 minutes रिसेस फॉर द रेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 30 minutes भी नॉर्मल एडल टाइम हो जाएगा, ये 10 minutes भी नॉर्मल एडल टाइम हो जाएगा। ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड, कौन सा कार्ड, जॉब कार्ड। ओके, तो अपने को ना इसी चीज से पता चलता है सर, दिस मस्ट बी अ क्वेश्चन ऑन जॉब कार्ड मेथड। और अगर जॉब कार्ड मेथड तुमको इंप्लीमेंट करने का है तो तुम लोग को लेबर आर रेट की जरूरत पड़ेगी। शोड दैट हिज टाइम वॉज चार्जेबल टू जॉब एक्स 15 hours, जॉब वाई 12 hours, जॉब जेड 13 hours। द टाइम नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। इन कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स फॉर द वीक। हम लोग एलोकेट कर देंगे प्रोवाइडेड यू गिव मी लेबर आर रेट, रफ के अंदर जॉब। यहां पे तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ओके, बस मेरे को लेबर आर रेट निकाल के दो। चलो, एक हिंट मैंने ये सर्कल किया, एक हिंट मैंने ये सर्कल किया, थर्ड हिंट ये सर्कल किया, फोर्थ हिंट ये कंप्यूट किया, फिफ्थ हिंट सब कुछ एक वीक के लिए कंप्यूट करना, इट विल बी बेटर। ओके, सब कुछ एक हफ्ते के लिए करना एंड इट इज अ 6-day week फैक्ट्री। ओके, मैं तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूं, उससे ज्यादा टाइम नहीं। साक्षी करेक्ट है, वो सृष्टि करेक्ट है। महक गलत है, महेश करेक्ट है, ध्रुव करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, कृष गलत है, वत्सल करेक्ट है, सृष्टि करेक्ट है। चल सुन, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को यहां पे C2C तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो लिखिए जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 32। कैलकुलेशन ऑफ लेबर आर रेट, चलो तो यहां पे सबसे पहले अपने को बेसिक पे लेना पड़ेगा। दिस इज 100 rupees इंटू 6 days, 600 प्लस डीए। इट इज 120 इंटू 6, 720, 1320। यहां पे मेरे ख्याल से और तो कुछ है ही नहीं। सी टू सी डिवाइडेड बाय, बोलो सर, डीए कैन बी पुट एट बेसिक वेजेस, बेसिक पे। क्या बोल रहे हो बेटा? डीए बेसिक पे से ज्यादा हो सकता है? हाँ, इन रियल लाइफ नो, इट इज ऑलवेज मोर देन द बेसिक वेजेस इन रियल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज कंपनीज कैन नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग द बेसिक वेजेस। There are other implications of that. For a small example, जो government employees होते हैं, अगर suppose जो government employee है, अगर उसका basic wages तो वो बढ़ाया ना, they have to take the permission from the central government or from the state government. तो इसलिए instead of doing that, क्योंकि that procedure might become quite long, they usually increase the dearness allowance. So over a period of time, dearness allowance actually becomes more than the basic wages. Okay, तो वो होता है in real life. ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क
excluding normal idle time. अच्छा ये सिचुएशन, बस ये वाला जो चीज है ना, दिस इज स्लाइटली ट्रिकी. ओके, तो 6 दिन फैक्ट्री खुलता है इनटू 8 आवर्स, तो इतने आवर्स वर्कर फैक्ट्री आते हैं, ठीक है. लेकिन इसके अंदर से 30 मिनट्स का एक लंच ब्रेक होएगा, 10 मिनट्स का रिसेस होएगा, तो 40 मिनट्स दिन का गया, मतलब इनटू 6 डेज इतना मिनट्स जो है, आगे बोलो ना, इतना मिनट्स जो है पूरे हफ्ते का गया. लेकिन ये मिनट्स है और ये आवर्स है बेटा, तो मेरे को इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये भी आवर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए. बस, तो दिस इज 48 आवर्स, तो दिस इज 4 आवर्स, तो ये आ जाएगा 44. तो दिस इज लेबर आवर रेट, ये वाला चीज 30 हो जाएगा. अच्छा, अब मेरे को सोच के बोलना, सब लोग सोच के बोलना, अपना पोपट मत करवाना. इन तीनों का जो टोटल है वो आइडियली 48 होना चाहिए था कि 44 होना चाहिए था? 44, क्योंकि याद रखने का, जॉब कार्ड के अंदर हम लोग कभी भी नॉर्मल आइडल टाइम रिकॉर्ड नहीं करते. तुम लोगों को शायद याद होएगा, जब ही लंच ब्रेक की घंटी बजती है तभी हम लोग जॉब कार्ड के अंदर क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, टाइम आउट. उसके बाद वो बंदा फिर से काम करने जाता है तो हम लोग टाइम इन रिकॉर्ड, तो वो जो आर्स आता है ना उसके ना एनआईटी इंक्लूडेड नहीं होता है. तो इसका टोटल 44 होना चाहिए, लेकिन इनका जो टोटल है वो सिर्फ कितना है, 40. तो इन दिस पर्टिकुलर केस दैट मीन्स रिमेनिंग 4 आवर्स, आगे बोलो ना तुम लोग, विल बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल आइडल टाइम. हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना, हम लोग उसको पगार दे रहे थे 44 आवर्स के लिए, लेकिन बंदे ने काम किया सिर्फ 40 आवर्स के लिए, तो 4 आवर्स इज आर लॉस ओनली, विल ट्रांसफर इट टू आर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द सेम थिंग वी विल कॉल एज एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है. Time not booked was wasted while waiting for a job. मतलब abnormal idle time, no? In cost accounting, how would you allocate the wages of the workers for the week? Okay, तो यहाँ पे अभी एक statement बना देंगे. यहाँ पे लिखिए statement showing wages of the worker for 1 week. तो यहां पे लिख देना कॉस्ट डेबिटेड टू जॉब, जॉब्स का नाम क्या था बेटा, एक्स वाई जेड, एंड सम कॉस्ट विल ऑलवेज बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो. यहां पे लिख रहा हूं आर्स, यहां पे लिख रहा हूं लेबर आर रेट, और यहां पे लिख रहा हूं टोटल. तो इधर 15 घंटे काम हुआ, 12 घंटे काम हुआ, 13 घंटे काम हुआ, टोटल 44 होना चाहिए था लेकिन ये 40 है, तो 4 इधर चला जाएगा, 30 30 30 30, 450 360 390 120 1320. कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एक एस्ट्रिक मारो और उसके अगेंस्ट लिखना रिप्रेजेंट्स एबनॉर्मल आइडल टाइम. चलो सुन, ये वाला जो काम है ये हो गया, लेकिन मैंने ना जब ये वाला पार्ट स्टार्ट किया था मैंने बोला था देर आर टू मेथड्स. अभी तक ना तुम लोग को सिर्फ एक ही मेथड कराया, जॉब कार्ड मेथड.
अभी ना उसी एग्जांपल से कंटिन्यू करता हूं जो पहले वाला मेरा एग्जांपल था। ध्यान से सुनना जरा प्लीज, ध्यान से सुनना यही वाला एग्जांपल। ये जो शाहरुख अपना वर्कर था ना, इसका सी टू सी जो था वो 20,000 था, ठीक है। अभी कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है ना जिधर जॉब कार्ड्स आर नॉट इवन पॉसिबल ऑल्सो। बोलते सर वाई जॉब कार्ड्स आर नॉट पॉसिबल, बिकॉज अ वर्कर माइट नॉट वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर वन जॉब एट वन टाइम। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, शायद सम पीपल माइट हैव सीन, आई एम नॉट वेरी श्योर। एग्जाम्पल, अगर आप सपोज कभी उन वर्कशॉप्स के अंदर जाओगे जहां पे एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, कढ़ाई का काम होता है, ठीक है, जो हैवी एकदम जो कढ़ाई का काम होता है, ओके, वहां पे क्या होता है कि ना सम पीपल इफ यू ऑल हैव सीन यू ऑल विल एग्री टू दैट। एक सपोज एक बंदे की शादी वो होने वाली है, तो उसने एक ऑर्डर दिया कि मेरे को एक कोई ड्रेस वगैरह चाहिए, उसके ना एम्ब्रॉयडरी का काम मेरे को ये चाहिए, ठीक है। अभी एक बंदा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, सो देर आर मेनी वर्कर्स हु आर असाइन दिस एंटायर जॉब। तो वो लोग क्या करते हैं, एक कपड़े को स्ट्रेच कर देते हैं, एक वर्कर यहां से काम कर रहा है, एक वर्कर यहां से काम कर रहा है, एक वर्कर यहां से काम कर रहा है, एक वर्कर जो है वो यहां से काम कर रहा है। सो देयरफॉर देर आर फोर पीपल हु आर साइमल्टेनियसली वर्किंग। पहले ये वाला वर्कर थोड़ा सा काम करता है, फिर वो लोग घूम जाता है, फिर ये वाला वर्कर वो उधर शिफ्ट हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा काम करता है उधर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी ऐसे केस के ना तुमको समझ में आएगा कि ना मैं जॉब कार्ड वाला सिस्टम ऑनेस्टली रख भी नहीं सकता, इट विल बिकम टू स्टूपिड। ओके, सपोज वो ऐसा है कि ना वर्कर पहले इस जॉब के ऊपर काम किया से फॉर वन मिनट, ओके, फिर उसको वो हटना पड़ा क्योंकि उसके बाद वाला जो स्टेप है ना वो कोई और वर्कर करेगा फॉर टू मिनट्स, ओके। तो नेक्स्ट वाला वर्कर आया, उसका टू मिनट्स वो खत्म हुआ, फिर पहला वाला वर्कर जो है तो वो फिर से आएगा। अभी ऐसे केस के नजर आ सोचो जॉब कार्ड सिस्टम कैसे फॉलो करोगे, तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगा स्टॉप वॉच लेके, टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट, ओके, ऑल दोस थिंग्स माइट नॉट। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जॉब कार्ड सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो जॉब कार्ड सिस्टम हर जगह पर पॉसिबल भी नहीं होता सर। फिर ऐसे केसेस के अंदर क्या करने का, तो फिर 20,000 रुपीज हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? तो सिंपल है, हम लोग क्या कर लेते हैं, वेन द वर्कर इज देयर ऑन अ फिक्स्ड बेसिस नो, आप उसका सी टू सी कंप्यूट कर लो से 20,000। एंड देन ना हम लोग एक अजीब चीज सोच लेते हैं, ओके, उस चीज का बेस तुमको जहां से बेस्ट लेकर आने का है लेकर आ सकते हो। फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, मैंने ऐसा सोच लिया कि जब भी वर्कर काम करेगा ना तो ही विल वर्क 50% ऑफ हिज टाइम फॉर जॉब पी, 30% ऑफ हिज टाइम फॉर जॉब क्यू, 20% इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर जॉब आर। ये वाला चीज मैंने इंप्लाइडली सोच लिया है कैसे ना कैसे, ठीक है। अभी कैसे सोचने का माइट बी एक्सपीरियंस से पता वो चली जाएगा, इन एनी केस इट इज जस्ट एन एस्टिमेट, ओके। अगर ऐसा है तो अभी तुमको समझ में आएगा, 50% मैंने सोच लिया है वो इसके लिए काम करता है, 30% इसके लिए, 20% वो इसके लिए, क्योंकि इंडिविजुअल तो मैं ट्रैक रख ही नहीं सकता, ओके। तो अभी बस आप एक काम कर दो, एट द एंड ऑफ द मंथ डिवाइड, प्लीज कंटिन्यू फर्दर, डिवाइड 20,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सो देयरफॉर यहां पे कितना आ जाएगा 10,000, यहां पे कितना आ जाएगा 6,000, यहां पे कितना आ जाएगा 4,000। कोई बोलते सर एबनॉर्मल एडल टाइम, अभी एबनॉर्मल एडल टाइम तो मैं पता कर ही नहीं सकता, ओके, क्योंकि आई एम नॉट बीइंग एबल टू कीप द ट्रैक ऑफ द आवर्स, दैट इज द ब्लडी प्रॉब्लम नो वे हियर, ओके। तो यहां पे एबनॉर्मल आइडल टाइम वगैरह की कोई अकाउंटिंग भी नहीं होगी, दिस इज इट हाउ द सम विल गेट फिनिश्ड, ओके, बस मेरा काम हो गया। एक लास्ट चीज, अगर कभी इंस्टीट्यूट ने ये वाला एडजस्टमेंट डाल दा तो, ओके, सपोज 20,000 के अलावा ना वर्कर ने, ध्यान से सुनना जरा प्लीज, कुछ ओवर टाइम भी किया था, ठीक है, हम लोगों ने ना वर्कर को 1,000 रुपए का ओवर टाइम का पेमेंट भी किया था, सो लेबर अकाउंट डेबिट टू कैश में, मतलब एक 20,000 रुपया जो नॉर्मली देते थे वो तो दिया, 1,000 रुपए का ओवर टाइम भी दिया, ओके। लेकिन ओवर टाइम के अंदर ना वो बंदा सिर्फ जॉब क्यू और जॉब आर के अंदर ही काम कर रहा था। तो अब तुम लोग मेरे को जरा बोलना, ये जो 1,000 रुपया है, विल दैट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 50:30:20? नो, इट विल ओनली गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर सपोज तुमको कभी सामने ऐसा बोल दिया ओवर टाइम के अंदर ये वाला बंदा सिर्फ जॉब आर के ऊपर ही काम करता है, तो फिर उसको किस रेशियो के ने डिवाइड करूं? फिर उसको किसी रेशियो के ने डिवाइड नहीं करने का, मैं यहां पे डायरेक्टली क्या लिख देगा बेटा, बाय, बोलो आगे,
जॉब आर कितना रुपीज बेटा 1000 इन अदर वर्ड्स ओवर टाइम डन स्पेशली फॉर एनी जॉब शुड बी डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब ओनली बस ओके ये कॉमन सेंस चीज है शायद मैं नहीं भी बोलता तो भी तुम लोग को स्ट्राइक तो हो ही जाता ठीक है इस मेथड का ना दुनिया के अंदर कोई नाम नहीं है तो मैंने अपना नाम बनाया ओके आई कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज परसेंटेज मेथड ठीक है अगर ये वाला मेथड फॉलो करने का होएगा दे विल गिव यू सम परसेंटेजेस यू टेक दोस परसेंटेजेस एंड डिवाइड इट एंड फिनिश इट ऑफ ओके यहां पे वही लिखा हुआ है देखो दिस मेथड इज मेनली अप्लाइड वेयर जॉब कार्ड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल हेंस वी अज्यूम एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड दैट द वर्कर मस्ट हैव डन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड रेशियो देयरफॉर सी टू सी विल गेट डिवाइडेड अमंग द वेरियस जॉब्स इन दैट स्पेसिफाइड रेशियो Any overtime done, especially for a job, must be debited to that particular job only. Is that understood? Yes, sir. चलो सुनो अभी इसके बेसिस के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन है ताकि अपना ये जो हम लोगों ने आज से काम स्टार्ट किया है वो खत्म हो जाए ओके okay? कोई कुछ पूछ रहा है तो बोलो ना एनआईटी डिटेक्ट होगा ना एबनॉर्मल एले टाइम भी डिटेक्ट होगा क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू बी काउंटिंग द आवर्स ओनली इनफैक्ट जो लेबर आर रेट मेथड के अंदर जो डिनोमिनेटर था ना वो वाला डिनोमिनेटर आप यहां पर पता ही नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली जो भी आइडल टाइम वगैरह है ना अगर वो एबनॉर्मल एले टाइम भी है अल्टीमेटली वो किधर ना किधर जॉब्स को चार्ज हो ही जाएगा बिकॉज यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ द आवर्स नो वो एक लिमिटेशन तो है ही है क्योंकि अगर सपोज यू डोंट वांट टू बी हैविंग दैट काइंड ऑफ अ लिमिटेशन यू शुड बी एबल टू ट्रैक द आवर्स नो हाँ बट यू कांट कीप द ट्रैक ऑफ द आवर्स क्योंकि योर वर्क इज इन दैट पर्टिकुलर मैनर सो देयरफॉर ये एक लिमिटेशन वो रहेगा ही तो इस मेथड का ठीक है चलो Calculate the earnings of A and B from the following particulars for a month. Okay. And allocate the labor cost to each of the jobs X, Y and Z. So job A hai, sorry. Worker A hai, worker B hai. ठीक है? Basic wages. Okay. Dearness allowance. Okay. Contribution to provident fund as a percentage of basic wages. अभी दे के रखा हुआ है instructions के ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं. Contribution to ESI as a percentage of basic wages. Overtime done on job Y. Okay. The normal working hours for the month are 200. ठीक है. Overtime is paid at double the total of normal wages and dearness allowance. तो overtime का rate क्या है बेटा? It is double the total of normal wages and dearness allowance. ये line उन लोगों ने अपने को दिया हुआ है. Thank you. वरना this is implied line also. Employer's contribution to state insurance and provident fund are at equal rates with the employee's contribution. I have told you that thing before. The two workers were employed on job XYZ in the following proportion. Job XYZ, देखो यहाँ पे ना ये percentage मेरे को दे दिया. अगर मेरे को percentage दे दिया, मतलब this is that percentage वाला method. This is not that labor or rate वाला method because that percentage is given to us. ठीक है? आगे. बस question खत्म हो गया. मैं किधर जा रहा हूँ? सुनो. अपने को क्या करने का है देखो इधर क्या लिखा हुआ है एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच ऑफ द जॉब एक्स वाई एंड जेड अभी एलोकेशन कर देंगे पहले तुम लोग लेबर कॉस्ट निकालते हो तो लेबर कॉस्ट बोले तो सी टू सी तो अपने को सबसे पहले सी टू सी तो निकालना पड़ेगा ओके तुम लोग क्या करो सुनो इजी काम है मेरे को इजी वाला काम करो वर्कर ए का तुमको एक मिनट ही दे रहा हूं मैं इंतजार ही कर रहा हूं मेरे को बोलो वर्कर बी का बताओ ना मेरे को क्योंकि वहां पे कोई ओवरटाइम भी नहीं है फटाक से आ जाएगा सी टू सी कितना आएगा सिर्फ यही वाला डेटा देख के यही वाला टेबल देख के मेरे को बता देना क्योंकि नीचे तो ओवरटाइम के बारे में बात है वो वर्कर ए के लिए था मैं भी कंप्यूट करता हूं मैं है करेक्ट है साक्षी रॉन्ग है बाकी सब लोग करेक्ट है
प्रथम 1.28 मेरा कैसे आएगा, 160 रुपए का तो बेसिक वेजेस है। $256 का आंसर वो आना चाहिए, ₹160 का ये डीए विल बी 50% ऑफ दिस, बोले तो 80, और मेरे को एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए टुवर्ड्स पीएफ एंड ईएसआई 8% ऑफ दिस एंड 2% ऑफ दिस, सब ऐड कर लो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले यहां पे इतना जरा लिखो, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ सी टू सी। एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है, बेसिक वेजेस 100 160 प्लस डीए, बेटा इट इज 50% ऑफ दिस, तो 50 80, एक टोटल हमेशा मार लिया करो, इसका काम में आता है बहुत। अच्छा लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद ये वाला सिचुएशन नहीं आएगा बेटा, सी टू सी तक पहुंचने के लिए एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड किया जाता है कि एम्प्लॉई का, एम्प्लॉयर का, सो देयरफॉर ऐड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ एंड ईएसआई। एक मिनट, क्या करो पहले ना, सिर्फ पीएफ लिखो, ईएसआई नेक्स्ट टाइम पे लिखेंगे। इट इज 8% ऑफ बेसिक वेजेस, 2% ऑफ बेसिक वेजेस, तो ये तो 8 और 2 ही आ जाएगा, 12.8 3.2, दिस इज सी टू सी, 160 आ जाता है, 256 आ जाता है। अभी एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि वैसा सिचुएशन आ गया, एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम, उसके बाद एड ओवरटाइम, सुनो तुम लोग क्या करो, ये वाला 3 लाइन पढ़ो, इनफैक्ट नहीं, ये वाला 2 ही लाइन पढ़ो, इनफैक्ट ये वाला 1.5 लाइन ही पढ़ो, और मेरे को ओवरटाइम निकाल के दो, वर्कर ए को ओवरटाइम कितने रुपीस का मिलेगा, आराम से इंप्लीमेंट करना जो वहां पर दिया हुआ है, जो अंडरलाइन वाली लाइन है सिर्फ वो इंप्लीमेंट करना। वर्कर बी के लिए तो ऑब्वियसली कुछ ओवरटाइम ही नहीं है, महेश सिर्फ ओवरटाइम चाहिए बेटा, आराम से पढ़ो। कुणाल करेक्ट है, कृष गलत है बेटा, गौतम रॉन्ग है, सृष्टि गलत है, नॉर्मल वेजेस बोले तो बेसिक वेजेस, साक्षी करेक्ट है, कृतिका करेक्ट है, महेश गलत है, देखो बोलो क्या बोलते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर अ मंथ आर 200, ठीक है, तो एक महीने के अंदर दो, ये भी तो एक महीने का ही वो डेटा था ना, ठीक है, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस लाइन। बेटा सुन, कई लोगों ने क्या कर दिया, डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस लाइन, इसका डबल कर दिया, तो 150 का डबल 300, ऐसा नहीं होएगा बेटा, 300 पागल, यहां पर ये वाला लाइन दिया हुआ है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, तो हम लोग 150 रुपया पे करते हैं इन अ मंथ, ओके, वेयर बाय इन अ मंथ वर्कर्स आर सपोज टू बी वर्किंग फॉर 200 आवर्स, उसके हिसाब से आप एक नॉर्मल रेट निकालो, उस रेट को आप डबल करो,
और फिर उसके बाद देख लेना कितने आवर्स का ओवरटाइम हुआ था। तो यहां पे आप लोग पहले जरा लिखो नॉर्मल रेट 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आवर्स तो 200 दिस इज नॉर्मल रेट पर आवर 0.75 इनटू अभी डबल रेट हो जाएगा तो 1.5 हो तो दिस इज ओवर टाइम रेट। इस रेट पर आर के हिसाब से पगार मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है इन दिस केस कि यहां पर कितने आर्स का ओवर टाइम है बेटा 10 तो यहां पे नंबर ऑफ आर्स तो 15 रुपए का ओवर टाइम मिल जाएगा। तो दिस इज 175 दिस इज 256 दिस इज सी टू सी इंक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम। सुनो हाँ ठीक है सुनो नाउ इन दिस केस नो बराबर से सुनो जो मैं तुम लोगों को वो बोल रहा हूं। देखो अभी दिस इज सी टू सी ठीक है 175 एंड 256 ये जो है ये सी टू सी है। पहले मेरे को जरा बोलो 256 वाई का जो है वो वेजेस है मेरे को बोलो वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड होगा वर्कर बी। एक मिनट ये एक्स और वाई थे कि ए और बी मैंने ए और बी लिखा ना हाँ मेरे को बोलो जो वर्कर बी की स्टोरी है वो किस रेशियो के अंदर वो डिवाइड हो जाएगी 5, 20 and 30 ठीक है चलो ओके वो 5, 2 and 3 दैट्स ओके और ये 175 आई वुड डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 40:30:30 यस और नो सुनो कार्टून्स अभी मैं दो क्वेश्चन तुम लोगों को सेम क्यों पूछेगा ना थोड़ा सा तो अक्कल यूज करो ना इन लाइफ। यहां पे ये जो 15 रुपए था दिस वाज ओवर टाइम डन ओनली फॉर विच पर्टिकुलर जॉब वाई तो ये जो 15 रुपए का पेमेंट है ये तो सारा का सारा बोलो अभी आगे जॉब वाई को ही जाएगा तो विच अमाउंट विल गेट डिवाइडेड अप इन व्हाट रेशियो अभी तो बोल दो बराबर से 160 will give it, get divided in the ratio of 40:30:30 Is that okay? Yeah. तो यहां पर अभी तुम लोग लिखो statement to show allocation of C to C. तो worker X, Y, Z total. Worker A नॉर्मल वर्कर ए ओवरटाइम वर्कर बी नॉर्मल वर्कर बी का कुछ ओवरटाइम है ही नहीं बेटा तो दिस इज 160 15 256 और मैं बस एक ही काम कर रहा हूं कि ये 15 रुपया इस रेशो के अंदर जाएगा बाकी तुम लोग उन रेशोज के अंदर डिवाइड करके यहां पे कर देना ये 40:30:30 है और ये मेरे ख्याल से कितना था बेटा ये रेड वाला थिंग्स यू ऑल माइट नॉट राइट दिस आई एम ओनली राइटिंग ताकि पेज ना टर्न करना पड़े ठीक है ये वाला काम खत्म कर दो एंड डू द टोटल्स ओवर हियर फाइनली। चलो सुनो अभी ना तुम लोग को एक सब्जेक्ट है सीए इंटर कॉल्ड एज लॉ ओके तुम लोग को सीए फाउंडेशन के अंदर भी था लॉ आर रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट
which obviously you have to try to fulfill. In case you don't fulfill, then in that case there are punishments. Okay. Punishments can be very severe and punishments can be normal. That depends upon the kind of offenses. Abhi, jo apna last part is chapter ka hai na, that is all about overtime. Theek hai? Abhi, overtime ke liye, tum logo na yahan pe shuru ke andar, maine ek chota sa ek theory diya hua hai. अभी ध्यान से सुनना व्हाट आई हैव टू टेल यू ऑल. अभी अपने तीन क्वेश्चन वो बाकी हैं. आउट ऑफ दैट वन ऑफ देम इज वेरी सिंपल, सेकंड ऑफ देम ओके, थर्ड वन इज स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है, अभी ओवर टाइम मैं ये वाला क्वेश्चन वो करेगा, फिर तुमको पांच मिनट का ब्रेक देगा. ठीक है, सुनो मेरी बात. ओवर टाइम हर एक एंटिटी ओवर टाइम का अपना रूल्स बना सकता है. एवरी कंपनी इन इंडिया इज अलाउड टू हैव देयर ओवर टाइम रूल्स. लेकिन एक और चीज भी है, वो जो ओवर टाइम रूल्स है ना, शुड गिव द वेजेस टू अ वर्कर मच मोर देन द वेजेस विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, विच इज दैट एक्ट दैट्स कॉल्ड एज फैक्ट्रीज एक्ट 1948. वहां पर ना ओवर टाइम के लिए कुछ रूल है, और वो रूल क्या बोलता है कि जितना भी तुम्हारा एक नॉर्मल रेट है, ओवर टाइम के अंदर रेट विल बी डबल. ऐसा फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है. तुम लोग अगर चाहो अपना कोई और स्कीम बना लेना, लेकिन उस स्कीम के हिसाब से जो ओवर टाइम का अमाउंट आना चाहिए ना, वो उससे कम नहीं आना चाहिए जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर है. तुमको समझ में आ गया? ओके. तो यू कैन ऑलवेज बी हैविंग से 2.5 times, यू कैन ऑलवेज बी हैविंग से 3 times, यू कैन हैव एनी अदर थिंग, बट दैट शुड नॉट रिजल्ट इन द वेजेस बीइंग लोअर देन व्हाटएवर इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट. वरना एक्ट क्यों बनाया फिर? ठीक है, एक्ट इसलिए बनाया क्योंकि एम्प्लॉयर जो थे एम्प्लॉयज को बहुत एक्सप्लॉयट करते थे. तो एक एक्ट वो बना दिया जहां पे प्रिस्क्राइब कर दिया कि ओवर टाइम ना एम्प्लॉयर को इतना तो देना पड़ेगा, तेरे को इससे वो ज्यादा देने का है फिर तेरी मर्जी है. ठीक है, ध्यान से पढ़ना ये वाली चीजें. कई चीजें वो इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो जो इंस्टीट्यूट है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा क्योंकि दिस इज नॉट लॉ वाला चैप्टर. ठीक है, ये वाली चीजें ना तो सीएस के पोर्शन के अंदर तो बहुत ज्यादा है क्योंकि सीएस पूरा का पूरा लॉ ही है. ओके, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है. रेट एंड कंडीशंस फॉर ओवरटाइम प्रीमियम मे बी फिक्स्ड बाय द एंटिटी इटसेल्फ और इट मे बी रिक्वायर्ड बाय एनी स्टैट्यूट इन फोर्स. ओके, the overtime should not be less than the premium calculated as per the statute. Okay, statute bole to law. As per Factories Act of 1948, bahut purana act hai, that actually should be getting changed now. There are so many things in that act which actually are not applicable, lekin abhi theek hai. Where a worker works in a factory for more than 9 hours in any day or more than 48 hours in a week, he shall be, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate twice his ordinary rate of wages. एक मिनट बोलो क्या बोलते हैं. ओवरटाइम उनको कभी कभी मिल सकता है when, मेरे को दो सिचुएशंस बोलो, when more than 9 hours a day or 48 hours a week. ठीक है, ओके, सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट. तो मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है, ध्यान से सुनना जरा प्लीज. मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. ठीक है, बंदे ने 11 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे. ठीक है, इसका टोटल कोई मैथ्स का स्कॉलर अगर वो मार के देगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे को. वो किसी ने नहीं मारा तो मैंने मार लिया, तो 50 माना. ठीक है, अभी अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं एक काम जरा करता हूं, मैं ना मेरे को एक चीज चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको 13 कर देता हूं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 53. ठीक है, अभी पहले मेरे को जरा बोलो, मैं दोनों चीजें वो इंप्लीमेंट करके देख ले. हैज द वर्कर ऑन एनी डे वर्क फॉर मोर देन 9 hours? यस. ऑन हाउ मेनी डेज? 2 days. तो एक सेकेंड, सपोज मैं तुमको एक यहां पे ना रेट दे रहा हूं, उसका जो नॉर्मल रेट है 5 per hour है. ठीक है, तो जो ओवर टाइम का रेट हो जाएगा ना बेटा, वो कितना हो जाएगा? इट विल बिकम डबल. बोले तो कितना? 10 per hour. ठीक है, तो पहले मेरे को जरा बोलो, अगर वो बंदा ऐसा सोचता है सर 9 घंटे के ऊपर होएगा तो ओवर टाइम लेगा सर, तो मेरे को बोलो 9 घंटे के ऊपर अगर वो लेगा तो हफ्ते के अंदर कितने घंटे का ओवर टाइम वो लेगा? बोलो
कि एक मिनट, तो यहां पे 9 आवर्स के ऊपर आई विल राइट डाउन 9 ओवर हियर तो एवरी टाइम, ठीक है, यहां पे 80 लिखता हूं क्योंकि 9 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कितने आवर्स का ओवर टाइम हुआ, 4, यहां पे कितने आवर्स का, 1, यहां पे 0000। तो अगर ऐसा किया तो अब जरा सोचो, आउट ऑफ 53 आवर्स 4 आवर्स विल बी विच आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। तो यहां पर 53, एक सेकेंड बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीबॉडी, हां सॉरी, तो ये जो है दिस विल बिकम 5 आवर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो है इसका जो टोटल है बेटा वो कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो 5 घंटे का ओवर टाइम। अब मैं फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, बराबर से सुनना अभी, ओके। मैं क्या करने जा रहा हूं ना, मैं इसको चलो 13 ही रखता हूं, ठीक है, और मैं इसको यहां पर जो है ना 9 कर देता हूं, इसको 8 कर देता हूं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो अब उसका जो ओवर टाइम है, मेरे को जरा बोलो मंडे को ओवर टाइम कितने आवर्स का होएगा बेटा, 4 आवर्स, और बाकी दिन कोई ओवर टाइम नहीं होने वाला क्योंकि 9 आवर्स के ऊपर तो हुआ ही नहीं, ओके। अच्छा 13 13 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 13, तो ये कितना हो जाता है बेटा, 51, ठीक है। तो 51 के अंदर से 4 आवर्स विल बी काउंटेड एज व्हाट, ओवर टाइम, ठीक है। तो 51 के अंदर से 4 सब्ट्रैक्ट किया मतलब हाउ मेनी आवर्स विल बी नॉर्मल आवर्स बेटा, 47। तो अगर वो इस स्कीम के लिए जाता है तो उसको नॉर्मल वेजेस मिलेगा, उसको नॉर्मल वेजेस मिलेगा फॉर 47 आवर्स इनटू कितना रुपीस, 5, और ओवरटाइम वेजेस मिलेगा 4 आवर्स इनटू आगे बोलो ना बेटा 10, ठीक है। तो वर्कर को एक ऑप्शन दिया गया है, या तू वेजेस ऐसे कंप्यूट कर लेना या तू ओवरटाइम इस स्कीम के हिसाब से जा, ओके। लेकिन एक और ऑप्शन भी दिया गया है, यू कैन ऑल्सो क्लेम ओवर टाइम इफ द नंबर ऑफ आवर्स, आगे जरा बोलो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। तो पहले मेरे को जरा बोलो क्या हफ्ते का जो आवर्स था 48 के ऊपर गया, अच्छा 48 के कितना ऊपर गया बेटा, 3 आवर्स ना, तो 51 माइनस 48 इज 3 आवर्स। तो अगर इस स्कीम के लिए जाएगा ना तो सब लोग मेरे को जरा बोलो नॉर्मल वेजेस कितने आवर्स के लिए आ जाएगा, 48 आवर्स इंटू 5 रुपीज, दिस इज वन थिंग, प्लस जो ओवर टाइम आ जाएगा वो कितने आवर्स के लिए आ जाएगा, 3 आवर्स। सबको 3 समझ में आ गया, इंटू 10 रुपीज, दिस विल बी द आंसर। मेरे को जरा बोलो अगर तुम लोग अभी वर्कर है, तेरे पास तो ये ऑप्शन भी है, तेरे पास तो ये ऑप्शन भी है, अभी एक्ट ने कुछ नहीं बोला लेकिन वर्कर को ऑप्शन दिया कि तू कभी भी ओवर टाइम क्लेम कर सकता है इन दोनों के अंदर से किधर भी। मेरे को जरा बोलो, कैल्सी को टच मत करना, मेरे को जरा बोलो तुम लोग फर्स्ट स्कीम के लिए वो जाना चाहेगा कि सेकंड स्कीम के लिए, फर्स्ट। अगर तुम लोग कंप्यूट भी करोगे दिस आंसर विल बी मच मोर देन दिस, बिकॉज यहां पे एक घंटे का एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी मिल जाएगा ना, तुमको समझा, ओके। तो इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री वेजेस एक्ट जो है ना वो क्या बोलता है कि आप वेजेस कंप्यूट कर लो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 1 और विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 2, वट एवर इज हायर विल बी गिवन टू द वर्कर। तुमको समझा वट एवर इज हायर क्यों, क्योंकि वर्कर को ऑप्शन दिया कि तू ओवर टाइम क्लेम कर ले, तेरे को जैसे भी क्लेम करने का है तो ही विल क्लेम वट एवर इज हायर नो फॉर हिम, इज दिस ओके। दिस इज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द सिंपलेस्ट सम दैट वी आर डूइंग। मैंने अभी तक ये बाकी चीजें वो नहीं पढ़ी जो मेरे को पढ़ना है, बट आफ्टर सम टाइम, अभी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना वैसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन है तुम्हारी आंखों के सामने, क्वेश्चन नंबर 34, वो वाला जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर दिस लाइन विल बिकम यूजलेस, तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में तुम लोग को आई जाएगा। और ये जो इन लोगों ने स्कीम दिया ना ये अल्टीमेटली फैक्ट्री वेजेस एक्ट के हिसाब से ही है, तो तुम लोग क्या करना ऑप्शन 1 के अंदर वेजेस कंप्यूट करना, यहां से लेके यहां तक ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है, उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस यहां से लेके यहां तक ऑप्शन 2 ही दिया हुआ है, वट एवर इज हायर यू पे टू दैट पर्टिकुलर वर्कर। मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूं, तुम लोग मेरे को दोनों ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताना। आई विल डू द टफेस्ट थिंग, आई विल पिक अप वट एवर इज हायर, मैं उतना टफ काम तो कर ही सकता हूं। मेरे को दोनों आंसर बताना सब लोग, मेरे को वेजेस चाहिए दोनों स्कीम्स के हिसाब से। जो पिछली बार हम लोगों ने नंबर्स नहीं कंप्यूट किए थे तुम लोग मेरे को वैसे वाले नंबर्स अभी कंप्यूट करके देना। आई विल पिक अप व्हाटएवर इज हायर।
चलो सुनो, आंसर 28 एंड 29 आता है. वट एवर इज हायर 29 विल बी पेड. एक मिनट मेरे को जरा बोलो, अगर फर्स्ट स्कीम के हिसाब से जाएगा, देखो यहां पे भी वही वर्ड्स हैं. इनफैक्ट मेरी बात जरा ध्यान से वो सुनना एक बार. अगर एग्जाम के अंदर ओवर टाइम का रूल नहीं दिया हुआ ना, देन यू विल अप्लाई ओवर टाइम एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, एंड दैट एक्ट सेज एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली. इसलिए मैं तुमको बोला ये जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स वो दिया हुआ है ना 8, ये फालतू चीज है. ओके क्योंकि उन लोगों ने नीचे अलग से कुछ ना कुछ और चीज बोल दिया कि ओवर टाइम किस कितने आवर्स के बाद ही होएगा, 9 आवर्स के बाद. सो देयरफॉर ये जो 8 आवर्स है ये यूजलेस डेटा है. सुनो मेरे को जरा बोलो, फर्स्ट स्कीम के हिसाब से, ओवर 9 आवर्स अ डे एट सिंगल रेट एंड अबव दैट एट डबल रेट, ऐसे के अंदर कितने आवर्स का ओवर टाइम आएगा बेटा? 3 आवर्स. यहां पर 1 घंटा और यहां पर 2 घंटे, सो देयरफॉर 3 आवर्स. ये एक चीज है. लेकिन अगर मैं दूसरी स्कीम के लिए जाऊं ना, मेरे को जरा बोलो वहां पर जो ओवर टाइम है वो कितने आवर्स के लिए आएगा? 5 आवर्स. क्योंकि 53 के अंदर से 48 आवर्स विल बी द नॉर्मल एंड 5 आवर्स विल बी द ओवर टाइम. इनफैक्ट अगर कोई मेरे को ये पूछा ना विच स्कीम इज बेटर, तो मैं डायरेक्टली बोल देता सेकंड स्कीम इज बेटर. व्हाई? फॉरगेट अबाउट द अमाउंट, बट सेकंड स्कीम इज बेटर. व्हाई? ओवर टाइम ज्यादा घंटे के लिए मिलेगा, सो देयरफॉर ऑब्वियसली वहां पर जो आंसर है वो ज्यादा ही आएगा. सो इज दैट ओके फॉर एवरीबॉडी? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी राइटिंग ओवर हियर. तुम लोग जरा लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, under the two options. ये वाला जो चीज है ना जो उसके बाद लिखा हुआ है, मैं बस ये पढ़ के देन आई विल गिव यू अ 5 मिनट्स का ब्रीदर टाइम. ओके सुनो देखो, अभी यहां पर क्या लिखा तुम लोगों ने अभी अभी क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, सो दैट यू ऑल नो. लेकिन एक चीज इफ यू स्टार्ट टू बी थिंकिंग ना, दिस इज ओवर. ये वर्ड बोलो एक बार, ओवर. सब लोग बोलो एक बार, ओवर टाइम. ऑब्वियसली अभी वर्कर्स का ओवर टाइम होगा तभी ओवर टाइम आएगा यार. ये मैं तुम लोगों को क्यों बोला, इफ वर्कर इज पेड ऑन पीस रेट सिस्टम
तो तब तो ओवर टाइम करके कुछ हो ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट पेड ओनली ऑन अ टाइम बेसिस सिस्टम. तो फैक्ट्रीज एक्ट ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ बोला. देखो क्या बोला, वेयर एनी वर्कर इन द फैक्ट्री आर एम्प्लॉयड ऑन पीस रेट बेसिस, ठीक है, द टाइम रेट शैल बी डीम्ड टू बी द इक्वालेंट टू द डेली एवरेज ऑफ देयर फुल टाइम अर्निंग्स फॉर द डेज इन विच दे एक्चुअली वर्कड ऑन द सेम और आइडेंटिकल जॉब ड्यूरिंग द मंथ इमीजिएटली प्रिसीडिंग द कैलेंडर मंथ ड्यूरिंग विच द ओवर टाइम वर्क वॉज डन एंड सच रेट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ वेजेस फॉर दोज वर्कर्स. एक बार तुम लोग ये वाला लाइन पढ़ो फिर से, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं. देखो ये वाला लाइन क्या बोलता है, अगर एक वर्कर पीस रेट सिस्टम के ऊपर है, ठीक है, तो फिर आप रेट ही कैसे कंप्यूट करोगे, क्योंकि ओवर टाइम हैज टू बी पेड एट डबल द रेट देन नॉर्मल रेट. ओके, लेकिन इट इज स्टिल ओवर टाइम नो, तो अल्टीमेटली मेरे को रेट पर यूनिट नहीं चाहिए. आगे तुम लोग बोलो मेरे को क्या चाहिए, रेट पर आर चाहिए. तो फिर फैक्ट्री वेजेस एक्ट क्या बोलता है कि अगर एक वर्कर को तुम लोग पीस रेट सिस्टम के अंदर डाल रहे हो ना, ओके, तो ऐसा नहीं है कि उसको काम करवाते रहो, ऐसा नहीं है, देन ऑल्सो उसको ये वाला स्कीम विल अप्लाई. ये वाला स्कीम मतलब 9 hours से ज्यादा दिन का या वीक का 48 से ज्यादा, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम लोग को एक रेट तो चाहिए रहेगा. जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर 0.5 का रेट था, 1 का रेट था, लेकिन ये तो पर आर रेट से, यू हैव टू अप्लाई दैट टू टाइम. ओके, अभी तो टाइम करके कुछ होएगा नहीं क्योंकि पीस रेट सिस्टम है. तो ये लोगों ने ना एक वे आउट दिया, और वो वे आउट क्या है, वेयर द वर्कर इज पेड ऑन पीस रेट सिस्टम, जहां पे एक वर्कर को पीस रेट के अंदर वो डाला हुआ है, टाइम रेट शैल बी, टाइम रेट बोले तो रेट, आगे बोल रेट पर, बोल रेट पर आर, नो ओके. तो उन लोगों ने क्या बोला, वेयर एनी वर्कर आर पेड ऑन पीस रेट सिस्टम, ठीक है, मतलब अगर किधर वर्कर को हम लोग रेट पर यूनिट दे रहा है, ठीक है, द टाइम रेट विल बी टाइम रेट बोले तो रेट पर आर. तो जहां पे एक वर्कर को रेट पर यूनिट दे रहे हो वहां पे भी रेट पर आर कंप्यूट करो, और रेट पर आर कैसे कंप्यूट वो करने का, शैल बी डीम्ड टू बी इक्वालेंट ऑफ डेली एवरेज ऑफ देयर फुल टाइम अर्निंग्स फॉर द जॉब फॉर विच दे एक्चुअली वर्कड ऑन द सेम और आइडेंटिकल जॉब ड्यूरिंग द मंथ इमीजिएटली प्रिसीडिंग द कैलेंडर मंथ ड्यूरिंग विच द ओवर टाइम वर्क वॉज डन. एग्जाम्पल के तौर पर वर्कर ने अप्रैल मंथ के अंदर ओवर टाइम किया, ठीक है, वर्कर ने ओवर टाइम किया कौन से मंथ के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर. अभी अप्रैल के मंथ के ओवर टाइम के लिए तुमको अप्रैल का डेटा नहीं लेना है, तुमको किस मंथ का डेटा लेना है, प्रीवियस मंथ, बोले तो मार्च मंथ का, ठीक है. तो आप लोग मार्च मंथ का डेटा लो, और मार्च मंथ का डेटा तुम लोग कैसे, वो कैसे लोगे, द टाइम रेट शैल बी डीम्ड टू बी इक्वालेंट ऑफ डेली एवरेज ऑफ देयर फुल टाइम अर्निंग्स फॉर द डेज फॉर विच दे एक्चुअली वर्क. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, अप्रैल के लिए ओवर टाइम निकाल रहे हैं तो मैं मार्च का डेटा ले रहा हूं, ठीक है. सपोज मार्च के अंदर पीस रेट सिस्टम के हिसाब से, वर्कर ने ना 1000 units बनाया था, ठीक है, मैंने उसको 10 rupees पर यूनिट दिया था, मतलब उस बंदे को मैंने पेमेंट कितने रुपीस का दिया था, 10,000, ठीक है. तो दिस वॉज द पेमेंट दैट वॉज डन, बट दिस वॉज द टोटल वेजेस फॉर द मंथ ऑफ, बोलो मेरे को, मार्च. आप लोग इसको कन्वर्ट कर लेना, इनटू रेट पर आर. तो आप लोग ये देख लेना कि 10,000 rupees का जो पेमेंट था ना, कितने आर्स काम करके दिया. सपोज उसने उस मंथ जो है 500 hours काम किए थे, मैं कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं, 500 hours वो यूजली कोई काम नहीं कर सकता, से 200, ठीक है, कुछ भी. तो 10,000 divided by 200, ठीक है, तो मतलब फॉर द पर्पस ऑफ ओवर टाइम हिज नॉर्मल रेट विल बी अज्यूम टू बी कितना पर आर, 50 पर आर. तो मतलब जो ओवर टाइम होएगा ना, आगे बोलो उसका डबल रहेगा, तो ओवर टाइम विल बिकम डबल ऑफ दिस. सबको समझ में आ गया? तो आप लोग पिछले मंथ का देख लेना कि जो वेजेस था वो कितना था पीस रेट सिस्टम के हिसाब से, और देख लेना बंदे ने कितने आर्स के लिए काम किया था, उसके हिसाब से जितना भी रेट पर आर आता है, ठीक है, उसका डबल यू विल हैव टू बी पेइंग. ये कौन बोलता है, फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है. एक लास्ट चीज जो फैक्ट्रीज एक्ट ने बोला, ठीक है, एंड देन यू ऑल विल गेट योर ब्रेक पक्का.
ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस. देखो यहां पे एक ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस था, मैंने ऐसा एक एरो भी बनाया. ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मींस अगर सपोज देखो वर्कर एक फिक्स्ड बेसिस के ऊपर है तो फिर तो पीस रेट सिस्टम भी नहीं आएगा. तो अगर एक वर्कर फिक्स्ड बेसिस के ऊपर है तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस फिर कैसे कंप्यूट करोगे? देखो इट विल बी बेसिक वेजेस प्लस सच अलाउंसेस इंक्लूडिंग द कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एडवांटेज अक्रूइंग थ्रू कंसेशनल सेल टू वर्कर्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स, वो जो परक्यूजिट्स वगैरह होते हैं. ओके, एज अ वर्कर फॉर टाइमिंग इज एंटाइटल्ड टू बट डज नॉट इंक्लूड बोनस एंड वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क. वो लोग क्या बोलता है कि ना कभी कभी तुमको ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस निकालने के अंदर दिक्कत आएगी इफ द वर्कर इज पेड ऑन अ फिक्स्ड बेसिस. ठीक है, तो अगर वर्कर फिक्स्ड बेसिस के ऊपर है तो तुम लोग उसका फिर ऑर्डिनरी रेट कैसे निकालोगे? तो उन लोगों ने क्या क्या बोला कि क्या क्या इंक्लूड करें, देखो जरा. उन लोगों ने बोला बंदे का बेसिक वेजेस ले लो. सपोज बंदे को हम लोग फिक्स्ड वेजेस 10,000 रुपए का देता है, कुछ भी नंबर लिखा अभी 10,000, एक मिनट में उसको चेंज करता हूं वरना यू ऑल माइट फील कि वो 10,000 वो यही है. ये कोई और एग्जांपल है, ऐसे 15,000 रुपए का बेसिक वेजेस दिया. ठीक है, अभी इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड करने का है? बेसिक वेजेस प्लस सच अलाउंसेस इंक्लूडिंग द कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एडवांटेज अक्रूइंग थ्रू द कंसेशनल रेट कंसेशनल सेल ऑफ वर्कर्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल. इसके अलावा वी ऑल गिव हिम अ डी ऑफ 5,000 रुपया प्लस वी गिव हिम अ ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन दिस केस से ऑफ 3,000 रुपया. ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज बराबर से सुनना जरा. अपने को वर्कर लोगों को ना थाली देनी होती है दोपहर के खाने के लिए. उस थाली का जो अपने को कॉस्ट पड़ता है ना 120 रुपए का पड़ता है. ठीक है, 120 रुपए का पड़ता है, लेकिन हम लोग ना वर्कर लोगों को वो वाला थाली 20 रुपए का देता है. ओके, तो तुमको समझ में आएगा कि जो रिमेनिंग 100 है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सैलरी ओनली. नो, हम लोग वर्कर को अल्टीमेटली कुछ एक्स्ट्रा तो दे रहे हैं. 120 रुपए का थाली 20 रुपए में दे रहे हैं, मतलब 100 रुपया तो कंपनी इज बेरिंग नो एज सच, तो वो भी तो वर्कर की सैलरी के ना इंक्लूड होना चाहिए. इज दैट ओके? तो यहां पर ऐसी जो चीजें हैं ना, से 100 रुपीज पर थाली एंड से दैट वर्कर कम्स टू द फैक्ट्री फॉर 20 डेज इन अ मंथ. ओके, तो ये वाला जो चीज है कितने रुपीज का, वो आ जाएगा 2,000. ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूड करो, लेकिन कुछ इसके अंदर इंक्लूड मत करना. क्या इंक्लूड मत करना? पढ़ो जरा. बट डज नॉट इंक्लूड, पढ़ो बोनस एंड वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क. अगर सपोज वर्कर एफिशिएंट वगैरह था और तुम लोगों ने उसको बोनस दिया अंडर हेल्से स्कीम या रोवन स्कीम, वो सब कुछ इसके अंदर मत लेना. क्योंकि अगर वो सब कुछ ले लोगे ना तो उसका रेट ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा एंड वी डोंट नो वेदर ड्यूरिंग ओवर टाइम ही विल बी एफिशिएंट और नॉट. तुमको समझा ये वाला चीज बेटा? अगर वो एफिशिएंट था वो तो लास्ट पीरियड के अंदर वो एफिशिएंट था. अभी वो वाला जो एफिशिएंसी वाला जो बोनस है वो हम लोग जिंदगी भर वो थोड़ी यूज करेगा. ओके, सो यू ऑल अंडरस्टूड. एंड ऑब्वियसली इसके अंदर किधर भी ये नहीं लिखा है कि आपको वो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ एंड ईएसआई भी लेना है, तो वो सब कुछ मत लेना. सिर्फ क्या क्या लेना है उन लोगों ने वो वाला चीजें बता दिया. तो क्या क्या लेना है बेटा? एक बेसिक वेजेस, ऑल अलाउंसेस प्लस ऑल दोस परक्यूजिट्स वगैरह, वो जो खाना पीना या फिर जो कंसेशनल रेट वगैरह होएगा. तो यहां पे एक वर्कर का जो सी टू सी आया ना, एक मिनट, वो कितने रुपीज का हो गया बेटा? 25,000. ओके, नाउ 25,000 वॉज द टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स. एंड सपोज इन द लास्ट मंथ वर्कर ऑन एन एवरेज इन द मंथ वर्क फॉर 250 आवर्स. ठीक है, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 250 वो मारेगा तो ये आ जाता है ऑर्डिनरी रेट. ओके, तो ओवर टाइम का रेट इन दिस पर्टिकुलर मंथ विल बी डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर रेट. मतलब ये उसका वो नॉर्मल रेट, तो ओवर टाइम का जो रेट है कितने रुपीज का आ जाएगा? 200. सो इज दैट ओके? तो दीज आर द थ्री केसेस विच आर देयर. ओके, ये जो सेकेंड और थर्ड केस है ना, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर यूजली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है. ओके, लेकिन अगर पूछ लिए यू ऑल शुड बी नोइंग हाउ दिस थिंग वर्क. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग जस्ट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ऑल. ठीक है.